लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। प्रभा तेरे पसीने की हर बूंद को बोधी से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरे सिर से दिन दिखलाएगा। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। प्रभा तेरे पसीने की हर बूंद को बोधी से चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरे सिर से दिन दिखलाएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, भूगोल में पहले इसे देख लो। ये है दोस्तों विश्व का मैप। किसका है? वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में देखना एक बार, ये महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी, ध्यान रखना, उत्तरी अमेरिका। पहले आप देखिएगा उत्तरी अमेरिका, और जब भी मैं इसको पढ़ाऊ ना, तुम्हारे पास में ऑक्सफोर्ड का, किसका? ऑक्सफोर्ड का दोस्तों क्या होना चाहिए? ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस होना चाहिए। कौन सा? स्टूडेंट, स्कूल वाला मत लाना, स्टूडेंट वाला लाना। कौन सा? स्टूडेंट, ठीक है, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस है। तो उत्तरी दोस्तों अमेरिका है, ये वाला महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। ये है दोस्तों अफ्रीका। कौन सा है? ये महाद्वीप है अफ्रीका। यहां पे ध्यान रखना, ये महाद्वीप दोस्तों एशिया है, ये महाद्वीप है यूरोप। कौन सा है? यूरोप है। यहां पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। और ध्यान रखना, यहीं पर न्यूजीलैंड है, और नीचे की साइड अगर आपसे पूछे तो नोट करना दोस्तों, यहां स्थित है आपके अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। तो ये तो दोस्तों क्या हो गए, ये तो हो गए आपके कॉन्टिनेंट। क्या हो गए? कॉन्टिनेंट। अगर आपसे पूछे इसके बाद में, अगर पूछे ये महासागर कौन सा है, तो लिखना प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर है ये आपके सामने। इधर भी दोस्तों क्या है, इधर भी ध्यान रखना प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। ये बीच में कौन सा महासागर है दोस्तों? एस आकृति के अंदर है अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और दोस्तों यहां पर कौन सा है? यहां पर स्थित है हिंद महासागर। कौन सा है? हिंद महासागर। ऊपर की साइड दोस्तों नोट करना, यह है आर्कटिक। कौन सा है? यह है दोस्तों आर्कटिक है। और यहां पूछ ले आपसे, ये वाला जो स्थान है ना, इसे कहते हैं दोस्तों दक्षिणी महासागर। क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं दक्षिणी महासागर। तो एक लाइन आप नोट करना, क्या एक लाइन आप नोट करना कि दक्षिणी महासागर के अंदर, क्या अगर आपसे पूछे दक्षिणी महासागर में हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा मिलता है। नोट करना, इस लाइन को नोट करना दोस्तों, दक्षिणी महासागर में अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दोस्तों प्रशांत महासागर का दक्षिणी हिस्सा जो है वो मिलता है, ठीक है। ये दोस्तों आपके महाद्वीप है, और ये क्या है? महासागर। अब आती है बात दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे कहां से? इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों से। किससे? उत्तरी अमेरिका के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा, अगर आपसे पूछे ये दोस्तों उत्तरी अमेरिका है, कौन सा महाद्वीप है? ये आपके सामने जो महाद्वीप है ना, इसे कहते हैं उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट। अगर आपसे पूछ ले ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें दोस्तों यहां स्थित है अलास्का। सुनना एक बार मेरी बात को, यहां स्थित है अलास्का। अलास्का किसका भाग है? अलास्का दोस्तों अमेरिका का सबसे बड़ा प्रांत है अलास्का। फिर आपसे पूछे अगर कि दोस्तों इसके नीचे जाएंगे तो ये देश है कौन सा? कनाडा। कौन सा है? कनाडा। फिर आता है दोस्तों अमेरिका। कौन सा? अमेरिका।
अमेरिका, फिर आता है मैक्सिको, क्या आता है मैक्सिको, और दोस्तों उसके बाद में बहुत सारे छोटे छोटे क्या आते हैं देश जो है वो आ जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है अलास्का, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। इस अमेरिका दोस्तों क्या ये जो अमेरिका है, इस अमेरिका के ऊपर की साइड आपसे पूछे तो ध्यान रखना, यहां पर दोस्तों अगर पूछे कौन सी रेखा है जो अमेरिका और कनाडा को अलग करती है, तो नोट करना 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे ढंग से नोट करना, अगर आपसे पूछे कौन सी रेखा है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे कौन है दोस्तों, नीचे हो गया मैक्सिको, कौन है मैक्सिको, और अमेरिका और मैक्सिको के बीच में कौन सी नदी है, तो लिख लेना रियो ग्रैंडी नदी, कौन सी है रियो ग्रैंडी नदी। तो दो क्वेश्चन तैयार हुए अमेरिका और दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच में, तो ध्यान रखना 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में ध्यान रखना रियो ग्रैंडी नदी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दोस्तों ये जो 49 डिग्री है ना, इस 49 डिग्री पर ही कुछ झीलें स्थित है, क्या कुछ झीलें स्थित है, इस एरिया को बोलते हैं ग्रेट लेक एरिया, क्या बोलते हैं ग्रेट लेक एरिया, महान महान झील क्षेत्र, क्या बोलते हैं महान झील क्षेत्र कहा जाता है। कितनी झील आती है इसमें, 5 झील आती है, कितने 5 झील आती है इसके अंदर। तो इस वाले एरिया को मैं निकाल के, ये जो एरिया है ना इसको निकाल के दोस्तों अलग से आपके सामने बना रहा हूं। देखिएगा ये जो एरिया था इसमें कितनी झील है, इसमें दोस्तों महान झील क्षेत्र में 5 झीलें हैं, महान झील क्षेत्र ग्रेट लेक एरिया, इसके अंदर दोस्तों 5 झीलें हैं, और कहां स्थित है अमेरिका और कनाडा की दोस्तों सीमा पर स्थित है ये 5 की 5 झीलें। अगर पूछे कौन कौन सी है, सुपर मिशन है ई आंटी, क्या सुपर मिशन है ई आंटी, तो ध्यान रखना दोस्तों अगर आपसे पूछे कौन कौन सी झील है, सुपर मिशन है ई आंटी, ऐसे ही ध्यान रखना, ये मत कर लेना होम्स है, भैंस पानी में चली जाएगी तुम्हारी होम्स है ना, ये गलत है एकदम है ना, सुपर मिशन है ही आंटी। सुपर से क्या बना, सुपर से बना दोस्तों सुपीरियर, क्या बना सुपर से बन गया सुपीरियर, एंड मिशन से क्या बना दोस्तों, इससे बना मिशिगन, क्या बना मिशिगन, है से बन गया ह्यूरोन, क्या बना ह्यूरोन, ई से बना दोस्तों एरी, क्या बना एरी, और अगर पूछे आंटी से क्या बना, आंटी से बन गया ओंटेरियो, क्या बन गया ओंटेरियो। ये क्यों कह रहा हूं ऊपर वाला गड़बड़ है नीचे वाला सही है, कारण उसका दोस्तों ये सही क्रम है, क्या ये सही क्रम है, अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों पश्चिम से पूरब, क्या अगर आपसे पूछे पश्चिम से पूरब सही क्रम बताओ, तो ये दोस्तों सही क्रम होगा कौन सा, सुपीरियर मिशिगन ह्यूरोन एरी और अंटेरियो, जब याद ही कर रहे हो तो सही क्रम याद कर लो, इसमें दोस्तों सही क्रम नहीं है, इसमें सही क्रम है, क्या ये सही क्रम है, सुपर मिशन है ई आंटी, सुपीरियर मिशिगन ह्यूरोन एरी और ओंटेरियो। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो ध्यान रखना वो है दोस्तों सुपीरियर, क्या है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों ये है, ध्यान रखना सुपीरियर। अगर पूछे शिकागो जो है किस झील के किनारे स्थित है, शिकागो दोस्तों मिशिगन झील के किनारे स्थित है, और सबसे बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, अगर आपसे पूछे कि दोस्तों सू नहर, इसे नोट करना रसगुल्ला, सू नहर दोस्तों, तो सू नहर ध्यान रखना ये दोस्तों सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में एक नहर है, उस नहर का नाम है सू नहर, तो इस क्वेश्चन को आराम से नोट कर लेना, सू नहर किस किस झील के बीच में है, सुपीरियर और ह्यूरोन के
के बीच में कौन नहीं आएगी? मिशिगन दोस्तों इसमें नहीं आएगी। इसको नोट करना, सुपीरियर और ह्यूरॉन इनके बीच में कौन सी नहर है? इनके बीच में सू नहर। कौन सी? सू नहर। और अगर आपसे पूछे दोस्तों एरी ओंटेरियो इसके बीच में कौन सा वाटरफॉल है? नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात जो है वो दोस्तों यहां पर स्थित है। तो चार पांच बातें मैंने आपको बताई हैं। पहली बात तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो दोस्तों सुपीरियर है। अगला क्वेश्चन है शिकागो किसके किनारे है? मिशिगन के किनारे। सू नहर किसके बीच में है? सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में। अगला क्वेश्चन ईरी दोस्तों ध्यान रखना इनके बीच में है नियाग्रा वाटरफॉल। सबसे बड़ी सुपीरियर है, सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी दोस्तों ओंटेरियो। तो अब देखिए सवाल आपके सामने है, मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर स्थित है? शिकागो। और लिख लो दोस्तों मांस की सबसे बड़ी मंडी। क्या? मांस की सबसे बड़ी जो मंडी है ये भी कहां स्थित है? शिकागो के अंदर। सू नहर किन दो झीलों को आपस में जोड़ती है? सुपीरियर और दोस्तों जो ह्यूरॉन है इन्हें आपस में जोड़ती है। अथाबास्का झील किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? ये झील कहां पर है? ये झील दोस्तों अरे बचपन का प्यार, रुक जा यार, तू रुक जा, तेरा बचपन का प्यार भारी पड़ गया मेरे को। अगर आपसे पूछे अथाबास्का झील कहां पर है, दोस्तों ये जो कनाडा है ना इसमें ये कुछ झीलें स्थित हैं। इसमें दोस्तों एक झील का नाम है अथाबास्का झील। क्या नाम है? अथाबास्का झील। तो कहां स्थित है? कनाडा में स्थित है। और अगर आपसे पूछे किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के भंडार के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के भंडार के लिए अथाबास्का झील जो है वो फेमस है। युकाटन चैनल कहां स्थित है? याद करो दोस्तों अगर आपसे पूछे युकाटन चैनल तो ये तो हो गया मेक्सिको। कौन सा? मेक्सिको। यहां पर दोस्तों एक देश है जिसका नाम है क्यूबा। क्या नाम है? क्यूबा। इनके बीच में कौन सा चैनल है? युकाटन चैनल। कौन सा? युकाटन। तो मेक्सिको और क्यूबा इन दोनों के बीच में दोस्तों युकाटन चैनल स्थित है। तो नोट कर लेना अगर आपसे पूछे किन दो देशों के बीच है तो मेक्सिको को ध्यान रखना, क्यूबा से अलग करता है कौन दोस्तों? युकाटन चैनल। किससे अलग करता है? मेक्सिको को क्यूबा से। अगर आपसे पूछे दोस्तों ये देखो यहां पर ये महास, ये दोस्तों ये तो हो गया कौन सा? ये मेक्सिको की खाड़ी हो गई, ये हो गया कैरेबियन सागर। इन दोनों को आपस में जोड़ता है। जब भी कोई जल संधि आए ना तो ध्यान रखना जल संधि पानी वाले हिस्सों को जोड़ेगी और स्थल वाले हिस्सों को अलग करेगी। तो इसे नोट कर लेना, नोट लगाओ। क्या? हाँ, एक नोट लगा दो 100 रुपए का और नोट कर लेना जल संधि जो होती है। क्या? वाटर स्टेट। क्या? जो वाटर स्टेट होती है, वाटर स्टेट दोस्तों जैसे चैनल होते हैं। क्या चैनल होता है? इसका काम क्या है? इसका काम होता है जल भाग को जोड़ना। किसको? जल भाग को जोड़ना। और ये किसको अलग करती है? स्थल भाग को दोस्तों अलग करती है। क्या? स्थल भाग को अलग करती है, जल भाग को जोड़ती है। तो अगर आपसे पूछ लेना किस किस को अलग करती है दोस्तों, तो अलग करना और जोड़ना दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो युकाटन चैनल दोस्तों मैक्सिको और क्यूबा के बीच में स्थित है। ग्रीनलैंड पर किसका राजनीतिक अधिकार है? पहले आप फोटो में देखिएगा। अगर आपसे पूछे, मैं कसम से कह रहा हूं आपसे, मैं सोच कर आया था कि मैं इस क्लास को डेली स्टार्ट करूंगा। क्या? सोच कर आया था डेली स्टार्ट करूंगा इस क्लास को, ये 8 बजे वाली जो है ना। पर आपके जो कमेंट देख रहा हूं ना उसमें ठीक है, आप राजनीति करो बैठ करके। ये दोस्तों ग्रीनलैंड। क्या? ये है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड पर अगर आपसे पूछे किसका अधिकार है, तो पहला पॉइंट दोस्तों ये सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा आइलैंड है। क्या है? सबसे बड़ा द्वीप है पूरे विश्व का। क्या? पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। अगर आपसे पूछे ये कौन से ज्योग्राफी के हिसाब से कौन से महाद्वीप में है, तो ज्योग्राफी के हिसाब
से ये नॉर्थ अमेरिका में, कहां है? नॉर्थ अमेरिका। और अगर आपसे पूछे पॉलिटी के हिसाब से दोस्तों, तो लिखना यूरोप में। इस क्वेश्चन को नोट करना जो सच में चाहते हैं सफलता, ना यूरोप में पॉलिटी के हिसाब से। और अगर आपसे पूछे यूरोप में भी किस देश का इस पर अधिकार है, डेनमार्क का दोस्तों इस पर अधिकार है। किसका? डेनमार्क। तो ग्रीनलैंड के ऊपर किसका अधिकार है? तो राजनीतिक रूप से जो इस पर अधिकार है वो दोस्तों डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क का। अगर पूछे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी तो इसकी किस में आती है? नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन अगर पूछे आपसे पॉलिटी, वो दोस्तों यूरोप के अंदर आती है, मतलब किस में आती है? डेनमार्क में। अब देखिए, मैंने आपको कल दोस्तों पढ़ाया था, गौर करके बताओ, यहां स्थित है अलास्का। कौन है? अलास्का। और ये दोस्तों है रसिया। कौन है? रूस है। इन दोनों के बीच में, क्या इन दोनों के बीच में यहां पर दोस्तों एक जल संधि है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम लिखना आप बैरिंग जल संधि। कौन सी है? बैरिंग जल संधि। तो अमेरिका और रूस को अलग करने के लिए कौन सी जल संधि है? बैरिंग जल संधि है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये कौन सी झील है? पांच महान झील, याद करो, महान झील क्षेत्र, सुपर मिशन है ईएनटी, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी और ओंटेरियो। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर। शिकागो किसके किनारे है? मिशिगन के किनारे है शिकागो। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे दोस्तों यहां पर कि यहां एक पर्वत श्रेणी है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अपलेशियन। कौन सा है? अपलेशियन पर्वत श्रेणी। तो नोट करना आप सभी, अभी लिखाऊंगा मैं, ना अभी देख लो, अपलेशियन पर्वत श्रेणी किस देश के अंदर है? ये अमेरिका। कौन सा है? ये अमेरिका है। ये आपको बताया था कनाडा है। यहां झील है अथाबास्का झील, यूरेनियम का भंडार है यहां पर। और दोस्तों अमेरिका में ही कौन सी पर्वत श्रेणी है? अपलेशियन पर्वत श्रेणी। ये दोस्तों ध्यान रखना आप, ये बड़ी पुरानी है और खनिज दोस्तों इसमें भर भर कर है। खनिजों का अजायब घर भी दोस्तों इसे कहा जाता है। क्या? खनिज बड़ी मात्रा में इसके अंदर, खनिजों का अजायब घर। अभी दोस्तों राजस्थान सब इंस्पेक्टर में पूछा गया। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, क्या अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे दोस्तों कि इसी अपलेशियन के नीचे यहां पर दो नदी है, इनका नाम है मिसिसिपी मिसौरी। क्या नाम है? मिसिसिपी मिसौरी। तो अगर आपसे पूछे ये दोनों की दोनों नदी दोस्तों ये भी अमेरिका के अंदर है, मिसिसिपी मिसौरी, इन्हें जुड़वा नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें कहते हैं जुड़वा नदी। अमेरिका और कनाडा के बीच में रियो ग्रैंडी नदी जो सीमा बनाती है, क्या जो सीमा बनाती है दोस्तों दोनों के बीच में, अमेरिका और मेक्सिको, किसके? अमेरिका और मेक्सिको के बीच में रियो ग्रैंडी। ऊपर दोस्तों अमेरिका कनाडा के बीच में कौन सी रेखा है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां पर याद करो कौन सा चैनल था? युकाटन चैनल। मेक्सिको और क्यूबा इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है? युकाटन चैनल स्थित है इन दोनों के बीच में। और दोस्तों नॉर्थ अमेरिका का जो लास्ट है वो है पनामा। कौन है? पनामा। और यही कौन सी नहर है? पनामा नहर है। एक बार सवाल देखिए, आइए मेरे साथ। अगर आपसे पूछे ग्रीनलैंड पर किसका राजनीतिक अधिकार है, ये दोस्तों ध्यान रखना डेनमार्क। किसका है? डेनमार्क का। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए अब मैं आपको मैप पढ़ा ही रहा हूं, तो यहां पर देखना, यहां दोस्तों देखिए, एक तो यहां पर, कहां पर देखना मेरे साथ में, अगर आपसे पूछे वाशिंगटन डीसी, तो देखना ये हिस्सा एक वाला तो, और एक ये, यहां पर तो दोस्तों स्थित है वाशिंगटन। कौन है? वाशिंगटन। देखना ये बढ़िया सवाल है, अगर पूछे वाशिंगटन डीसी कहां है, तो वाशिंगटन डीसी तो यहां है, वाशिंगटन डीसी, और वाशिंगटन पूछे तो यहां है। ये दोनों अलग अलग है, वाशिंगटन डीसी ये दोस्तों इधर की साइड है, और वाशिंगटन ये इधर की साइड है ना, ये दोनों अलग अलग पॉइंट है ना। अगर पूछे वाशिंगटन डीसी ये इधर की साइड है, और वाशिंगटन ये इधर की साइड है। अगर पूछे किस नदी के किनारे है, तो नदी दोस्तों है, ध्यान रखना, पोटामैक नदी। कौन सी नदी है? पोटामैक नदी। इसमें डीसी का मतलब क्या है? डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या नाम है?
ये दोस्तों डीसी जो है ना, इसका मतलब लिख लीजिएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कौन है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये डीसी को कहते हैं। वाशिंगटन डीसी कैपिटल है, वाशिंगटन कैपिटल नहीं है। किस नदी के किनारे है? पोटामैक नदी के किनारे है। और यहाँ किसका मुख्यालय है? आईएमएफ और विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। अप्लेशियन पर्वत ये कहाँ स्थित है? ये भी दोस्तों अमेरिका के अंदर स्थित है, अप्लेशियन पर्वत। वैरिंग जल संधि ये मैंने आपको अभी बताया दोस्तों, रूस और अमेरिका, किसको? रूस और अमेरिका को अलग करने के लिए कौन सी जल संधि है? वो है दोस्तों बैरिंग जल संधि, जो कि मैंने आपको समझाया ऊपर ही ऊपर कौन सी है, बैरिंग जल संधि। पनामा नहर किन दो जल भागों को आपस में जोड़ती है? येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? 10,000 दुहारों की घाटी किसे कहा जाता है? तो आइए दोस्तों, अपने पास एक ही मैप है समझाने के लिए, देखना। अगर आपसे पूछ ले कौन सा, अगर आपसे पूछे 10,000 दुहारों की घाटी, ये दोस्तों स्थान है अलास्का। कौन सा है? ये स्थान है अलास्का। और अलास्का दोस्तों किसका? अमेरिका। मैं यहां लिख रहा हूं अलास्का जो है वो किसका सबसे बड़ा प्रांत है? अमेरिका का दोस्तों सबसे बड़ा प्रोविंस। क्या? सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? सबसे बड़ा प्रांत है अलास्का। कौन सा? अलास्का। अगर आपसे पूछ ले भाई कि जो अलास्का है, इसी अलास्का में दोस्तों क्या है, 10,000 धुआरों की घाटी है। 3 दिन का कोई इंटरनेट बंद बंद नहीं है ना, वो फर्जी न्यूज है। और उस फर्जी न्यूज को अगर आपने आगे भेजा ना, तो भाई सीधी गिरफ्तारी हो रही है। सुन ले मेरी बात, कान खोल गए ना। कल ही रात को जयपुर पुलिस ने दोस्तों डाल दिया है कि फर्जी न्यूज है जो चल रही है ना, 3 दिन का आपके मतलब लॉकडाउन है, राजस्थान में नेट बंद है, सारी फर्जी न्यूज है। और उसको अगर आगे ट्रांसफर किया तो सीधा निपटारा भी है, ठीक है ना। हाँ, ध्यान रखना, ये भी करंट अफेयर्स है। तो अलास्का के अंदर दोस्तों यहीं पर क्या है, 1,000 दुहारों की घाटी। तो अगर 10,000 दुहारों की घाटी, 10,000 दुहारों की घाटी जो है ये कहां स्थित है? यह स्थित है दोस्तों अलास्का के अंदर। याद करो ग्रीनलैंड, कौन सा स्थान है? ग्रीनलैंड। एक बार पूरा मैं आपको नॉर्थ अमेरिका जो है ना, पूरा मैं आपको 5 मिनट में याद कराऊंगा, कल उसका गायत्री मंत्र चलवा देंगे। देखिए ये 10,000 दुहारों की घाटी हो गई दोस्तों। इसके बाद देखना दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है येलोस्टोन नेशनल पार्क है। तो दोस्तों आपके अमेरिका के अंदर स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क, सबसे पुराना नेशनल पार्क है येलोस्टोन नेशनल पार्क। कहां स्थित है? अमेरिका के अंदर स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछे कि भाई न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे, देखिए अब अगर पूछे हडसन, तो हडसन दो चीज है, एक तो नदी भी है और हडसन खाड़ी भी है ना, एक तो हडसन नदी भी है दोस्तों। तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये तो भाई साहब नोट करना, ये जो आपको यहां दिख रही है ये तो है हडसन की खाड़ी। क्या है? ये है दोस्तों हडसन की खाड़ी। और अगर आपसे पूछे न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो लिखना दोस्तों जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क जो है ये ध्यान रखना, यह दोस्तों हडसन नदी के किनारे। किसके? हडसन नदी के किनारे। और पूछे न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दोस्तों पनामा जो नहर है, पहली बात तो पनामा नहर दोस्तों कहां पर स्थित है? यहां पर स्थित है पनामा नहर। देश कौन सा है? देश तो पनामा है। कौन सा? पनामा है। अगर पूछे इधर कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। इधर कौन सा महासागर है, तो महासागर पूछे तो दोस्तों अटलांटिक महासागर है। कौन है? अटलांटिक महासागर। लेकिन दोस्तों ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है कैरेबियन सागर। कौन सा है? कैरेबियन सागर। तो देखिए दोनों ही सही आंसर है। अगर आपसे बोल दे कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है तो भी ठीक है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है तो भी ठीक है। तो दोनों की दोनों दोस्तों आपके सही आंसर होंगे। किसके अंदर? पनामा नहर के अंदर। क्या पूछे? पनामा नहर। अगर आपसे क्या कह रहा है, रुकना रुकना,
बोलो आने की है कि नहीं, आओगी तो आज से बात नहीं करेंगे। ओ भाई साहब क्या चल रहा है, हैं किंग जोंग उन क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में, क्या बात है, अगर नहीं आओगी तो हम आज से बात नहीं करेंगे। किससे बात नहीं करेगा किंग जोंग उन? अरे पढ़ ले फूलों वाली। देखो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर यहाँ तो पनामा नहर में निपट रहे हैं, उधर बात नहीं करेंगे। भाई सही बात है, बहुत तगड़ी बात कर रहे हो तुम तो बैठकर। सही बात है किम जोंग उन। तो दोस्तों प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर इनको जोड़ती है, या फिर दोस्तों ध्यान रखना आप, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ती है, दोनों ही सही आंसर होंगे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अगर देखिए पहला क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो जलवायुओं को जोड़ती है, तो नोट कर लेना प्रशांत महासागर और साथ में दोस्तों या तो कैरेबियन सागर हो सकता है या इसके स्थान पर अटलांटिक महासागर भी हो सकता है ना। हाँ दोनों ही सही आंसर है। पनामा दोस्तों एक देश है, क्या है, देश है। येल्लो स्टोन नेशनल पार्क आप सभी को पता है अमेरिका के अंदर है, येल्लो स्टोन नेशनल पार्क। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, लिख लेना दोस्तों हडसन नदी के किनारे। 10,000 द्वारों की घाटी कहाँ स्थित है, यह स्थित है अलास्का के अंदर। कहाँ है, अलास्का जो अमेरिका के अंदर स्थित है। अब देखिए आप फटाफट से 5 मिनट के अंदर पूरा नॉर्थ अमेरिका आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण बातें सीधा सीधा रिवाइज कराऊंगा केवल 5 मिनट। और राजू डी टीम गायत्री मंत्र को छाप भी लेना ना, हाँ रिकॉर्ड कर लेना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नॉर्थ अमेरिका। कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे ऊपर अलास्का है, फिर दोस्तों आपके कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर मेक्सिको है, और फिर दोस्तों कुछ देश हैं नीचे की साइड में। अगर आपसे पूछे दोस्तों यहां पर स्थित है ग्रीनलैंड, कौन सा है ग्रीनलैंड, जो सबसे बड़ा आईलैंड है ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ अमेरिका में है, और अगर आपसे पूछे दोस्तों पॉलिटी के हिसाब से तो ये डेनमार्क के अधिकार में कौन, आपके ग्रीनलैंड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि दोस्तों पांच महत्वपूर्ण झीलें हैं जिसे बोलते हैं दोस्तों महान झील क्षेत्र, ग्रेट लेक एरिया। अगर अमेरिका और कनाडा की सीमा पूछेगा तो दोस्तों ध्यान रखना 49 डिग्री है अमेरिका कनाडा की सीमा, और दोस्तों यहीं पर स्थित है 5 झीलों का क्षेत्र जिसमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, एरी, ऑन्टेरियो, ये 5 झीलें सुपर मिशन है ई आंटी। सुपीरियर जो मिशन है, सुपीरियर जो झील है दोस्तों, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इसके बाद में मिशिगन जो है इसके किनारे शिकागो स्थित है, सबसे बड़ी मांस की मंडी दोस्तों। और सुपीरियर और ह्यूरोन के बीच में सू नहर है, कौन सी नहर है, सू नहर दोस्तों इनके बीच में स्थित है। इसके बाद कनाडा के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, कनाडा के अंदर जो है अथाबास्का झील है, जहां यूरेनियम के दोस्तों बड़े भंडार उपस्थित है, वो कनाडा के अंदर है। अलास्का के अंदर दोस्तों नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो ध्यान रखना कौन सी है, वो है दोस्तों माउंट मैकिनले, या फिर ध्यान रखना डेनाली। कौन सी है, डेनाली, सबसे ऊंची चोटी अलास्का के अंदर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान रखना, वॉशिंगटन डीसी जो है कनाडा की राजधानी तो क्या है दोस्तों, ओटावा है, क्या, ओटावा। और अगर पूछे अमेरिका की राजधानी क्या है, वो दोस्तों वॉशिंगटन डीसी है, पोटामैक नदी के किनारे। कहां, पोटामैक नदी के किनारे स्थित है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। इसके नीचे दोस्तों न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क ध्यान रखना आप हडसन नदी के किनारे स्थित है, और दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय। इसके बाद में अगर पूछे आपसे अमेरिका और दोस्तों मेक्सिको के बीच में रियो ग्रैंडी नदी, कौन सी नदी है, रियो ग्रैंडी नदी है अमेरिका और मेक्सिको के बीच में। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों अमेरिका के अंदर ग्रैंड कैनियन है, जो किस नदी के ऊपर है, कोलोराडो नदी के ऊपर स्थित है ग्रैंड कैनियन, वी आकार की घाटी, फिर जॉर्ज, फिर कैनियन, और फिर दोस्तों ग्रैंड कैनियन। कहां पर है, कोलोराडो नदी के ऊपर अमेरिका में दोस्तों स्थित है ग्रैंड कैनियन। अमेरिका में दोस्तों एक सियेरा निवेदा दोस्तों पर्वत है, जो विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन है, क्या, सियेरा निवेदा पर्वत विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन स्थित है। पनामा नहर मैंने आपको समझा दिया
दोस्तों प्रशांत महासागर कैरेबियन सागर के बीच में पनामा नहर। अगर आपसे पूछे मैक्सिको का और दोस्तों क्यूबा के बीच में कौन सा युकाटन चैनल, कौन सा युकाटन चैनल स्थित है क्यूबा और मैक्सिको के बीच में, अगर पूछे किसे जोड़ता है तो दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन जो सागर है इसे आपस में जोड़ता है। ऊपर की साइड दोस्तों एस्किमो जनजाति, कौन सी एस्किमो जनजाति है, ये जो एस्किमो जनजाति है दोस्तों इनके जो घर है वो कहलाते इग्लू, क्या बोलते हैं इग्लू कहलाते हैं, और एस्किमो दोस्तों ठंडे जो प्रदेश है वहां पर मिलता है एस्किमो, कौन सा एस्किमो, और जो घास के मैदान है उन्हें कहते हैं दोस्तों प्रेरीज घास के मैदान। हडसन की जो खाड़ी है वो भी दोस्तों नॉर्थ अमेरिका के अंदर स्थित है। इधर की साइड दोस्तों बैरिंग जलसंधि है, जो ध्यान रखना अमेरिका और यूरोप में दोस्तों अमेरिका और जो रूस है, अमेरिका और रूस को अलग करती है कौन सी, वो आपके संधि ध्यान रखना दोस्तों बैरिंग की जलसंधि। ये सारी बात दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के कौन से देश ब्राजील से सीमा नहीं बनाते हैं, माउंट कोटोपेक्सी कहां स्थित है, अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं, और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण अमेरिका ना इसको अमेरिका कर लो यहां पर, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आइए मेरे साथ में, अगर आपसे पूछे देखिए हम यहां तक पहुंच गए थे कल, पनामा कौन सा स्थान था, पनामा स्थान था, और ये पनामा जो है दोस्तों ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे अंतिम क्या है, सबसे अंतिम देश है पनामा। इस पनामा के बाद दोस्तों ये जो महाद्वीप है इसे कहते हैं साउथ अमेरिका, क्या बोलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब देखिए इस महाद्वीप में गिने चुने देश हैं, क्या बड़े कम देश हैं, हर देश अपने आप में कोई ना कोई सवाल दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का रखता है। चलो कुछ सवाल मैं आपके सामने लेकर चलता हूं। पहला सवाल तो दोस्तों आपके सामने था और वो था कि दक्षिण अफ्रीका अमेरिका इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है, ब्राजील, कौन सा है सबसे बड़ा देश है इसमें ब्राजील। अगर आपसे पूछ ले इस ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया, कौन सी है ब्राजीलिया, और अगर पूछे आपसे कि जो ब्राजील है यहां पर कॉफी के जो बागान है इन्हें कहते हैं फेजेंडा, क्या बोलते हैं फेजेंडा कहते हैं, पूरे विश्व में कॉफी के उत्पादन में पहले स्थान पर है दोस्तों कौन, ब्राजील, कौन है ब्राजील। इस ब्राजील से इस पूरे महाद्वीप में, सोच के देखो पूरे महाद्वीप में ब्राजील से दो देश सीमा नहीं बनाते हैं, एक तो देश कौन सा है, एक देश है चिली, कौन सा है एक देश ध्यान रखना आपका, वो तो हो गया ये वाला देश है जो इससे सीमा नहीं बनाता, और एक देश है इक्वाडोर। तो नोट करना इससे दो देश दोस्तों सीमा नहीं बनाते, बाकी सब सीमा बनाते हैं, और उन दो देशों के नाम क्या है, एक का नाम है चिली और एक का नाम है इक्वाडोर, क्या है इक्वाडोर। तो ध्यान रखना सवाल को, पूरे महाद्वीप में ये दो देश हैं, एक तो इक्वाडोर दोस्तों और एक चिली जो इससे सीमा नहीं बनाते, बाकी सब देखो ये देखो यहां से ये बनाता है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए सब बनाते हैं, क्या सब बनाते हैं दोस्तों सीमा, बस कौन नहीं बनाता, एक तो चिली नहीं बनाता और एक दोस्तों इक्वाडोर जो है ये सीमा नहीं बनाता। तो दो देश हैं जो सीमा नहीं बनाते हैं, चिली और इक्वाडोर। इसके दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नोट करना सबसे ऊंची जो चोटी है दोस्तों उसका नाम है माउंट एकांगुआ। अब ये चोटी किसी ना किसी पर्वत श्रेणी में होगी, तो उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, उसका नाम लिख लीजिएगा आप सभी, उसका नाम है दोस्तों एंडीज पर्वत श्रेणी, कौन सी है ये पर्वत श्रेणी है, इसका नाम लिखिए एंडीज पर्वत श्रेणी, कौन सी एंडीज पर्वत श्रेणी। और एक सवाल को आपको ध्यान रखना है बड़े आराम से, अगर मैं आपसे पूछूं क्या, अगर आपसे पूछूं सबसे लंबी ऐसे पर्वत श्रृंखला कौन सी है क्षितिज में दोस्तों, तो ध्यान रखना एंडीज है, और अगर पूछे ऐसे दोस्तों तो ध्यान रखना हिमालय, कौन हिमालय, तो लिख लेना सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, क्या सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला वो दोस्तों है
एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्या? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला। और यही ध्यान रखना दोस्तों आप सभी कि एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसी एंडीज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांक गुआ। कौन सी है तो नोट करना, माउंट एकांक गुआ, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांक गुआ। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। किस पर है? चिली अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछे, इसके बाद में क्वेश्चन पूछा है माउंट कोटोपैक्सी, ये जो इक्वाडोर है ना दोस्तों, इक्वाडोर, मैं अगले पेज पर आता हूं आपके सामने, अब देखना ये जो दोस्तों इक्वाडोर है, क्या जो आपके सामने इक्वाडोर है, यहां से भूमध्य रेखा निकलती है। कौन सी रेखा निकलती है? यहां से निकलती है दोस्तों भूमध्य रेखा, इक्वेटर। कौन सी है? इक्वेटर है 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा, या दोस्तों इसे कहते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। अगर आपसे पूछे ये देश कौन सा है, इस देश का नाम है इक्वाडोर। क्या नाम है? इक्वाडोर। और इसी देश में दोस्तों एक ज्वालामुखी पर्वत है, उसका नाम है माउंट कोटोपैक्सी। क्या नाम है? माउंट कोटोपैक्सी जो है, ये ध्यान रखना, यहीं पर स्थित है माउंट कोटोपैक्सी। तो अगर आपसे पूछ ले इक्वाडोर में कौन सी पर्वत श्रेणी, कौन सी दोस्तों आपके, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, तो लिख लेना माउंट कोटोपैक्सी, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कोटोपैक्सी। कहां स्थित है? इक्वाडोर के अंदर स्थित है। इसी की आपको राजधानी ध्यान रखना, क्वेटो जो है दोस्तों ये इसकी राजधानी है इक्वाडोर। किसकी? इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है, और माउंट कोटोपैक्सी ये यहां पर स्थित ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है और वो देखिए दोस्तों, अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो नोट करना, अर्जेंटीना दोस्तों, अर्जेंटीना कहां स्थित है? यहां पर स्थित, देखिए अर्जेंटीना, कौन सा ये वाला दोस्तों देश कौन सा है? ये देश है अर्जेंटीना। कौन सा? अर्जेंटीना। और अगर आपसे पूछे इस अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस ओयर्स। कौन है? ब्यूनस ओयर्स जो है ये इसकी राजधानी है। और इसी अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान है? पंपाज घास के मैदान। लेकिन यहीं पर ध्यान रखना, एक सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों घास मिलती है, उसका नाम है अल्फाफा घास। इसको नोट कर लेना, अगर आपसे पूछे पंपाज घास के मैदान में एक बड़ी पौष्टिक घास है, और इस पौष्टिक घास का नाम है अल्फाफा घास। कौन सी है? अल्फाफा घास। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पंपाज घास के मैदान अर्जेंटीना में, और इसी अर्जेंटीना में दोस्तों नीचे की साइड, क्या इसी अर्जेंटीना में नीचे की साइड दोस्तों, यहां पर एक मरुस्थल स्थित है, और उसका नाम है पैटागोनिया मरुस्थल। कौन सा है? पैटागोनिया मरुस्थल। ये भी दोस्तों ध्यान रखना, अर्जेंटीना के अंदर स्थित है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, एक बार नोट कर लो। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के कौन से देश ब्राजील से सीमा नहीं बनाते हैं? तो नोट करना दोस्तों, ये दो देश हैं, एक तो चिली है और एक ध्यान रखना इक्वाडोर। क्या है? चिली और इक्वाडोर। माउंट कोटोपैक्सी कहां स्थित है? तो ये ध्यान रखना दोस्तों, यह स्थित है इक्वाडोर के अंदर। कहां है? इक्वाडोर के अंदर। अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? पंपाज घास का मैदान जो है वो कहते हैं अर्जेंटीना के अंदर। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ। क्या? माउंट एकांगुआ, ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अमेरिका। हाय हाय। आटाकामा मरुस्थल कहां स्थित है? टीटिकाका किन दो देशों के मध्य स्थित है? लानोज घास का मैदान कहां पाया जाता है? कौन सा ऐसा देश है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों से सीमा बनाता है? चलो देखते हैं, आप 70,000 हो, क्या 70,000 हो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कितने लोग देंगे? तुम्हें कसम है मेरी, देखोगे नहीं, क्या देखोगे नहीं, जिसे आता है ना वही आंसर देगा क्वेश्चन नंबर 4। छाप के बताओ, 70,000 लोग हो,
इस क्वेश्चन का आंसर कौन देने वाला है कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दो। देखते हैं क्या होता है आज, कौन सा ऐसा देश है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों से सीमा बनाता है, बताइए। अभी तक एक का भी ठीक आंसर, एक का ठीक आंसर आया ना, केवल एक का आया अभी तक। हाँ एक और ठीक है ना, यही तो बात है ना दोस्तों, पढ़ लिया आपने क्या, पढ़ तो लिया आपने पूरा मैप। अब देख लो मेरे साथ एक बार, है ना, एक बार मेरे साथ देख लीजिए। ये देखिए आपके सामने साउथ अमेरिका, कौन सा है, साउथ अमेरिका दोस्तों, कॉन्टिनेंट जो है वो आपके सामने स्थित है। अगर आपसे पूछे दोस्तों पहला क्वेश्चन, आप देखना गौर से, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें दोस्तों, देखना आप यहां पर, ये है साउथ अमेरिका, कौन है, साउथ अमेरिका है। और इसमें देखिए यहां पर दोस्तों मैंने खत्म किया था, और ये था हमारा नॉर्थ अमेरिका, कौन था, नॉर्थ अमेरिका, और ये पनामा शहर है, पनामा देश, कौन सा, पनामा देश। इसके पास में दोस्तों देखिए यहां पर स्थित है कोलंबिया, कौन सा है, कोलंबिया। और यार अब देखिए इस कोलंबिया के दोस्तों इधर के साइड में कौन सा महासागर है, ये तो है प्रशांत महासागर, कौन सा, प्रशांत। और इस कोलंबिया के इधर की साइड में दोस्तों अटलांटिक महासागर, कौन सा है, अटलांटिक है। तो प्रशांत और अटलांटिक से सीमा बनाने वाला देश कौन सा है, कोलंबिया, ब्राजील नहीं है। देखिए ये देखिए ब्राजील तो दोस्तों यहां पर स्थित है, क्या ये कहां पर दोस्तों आपके कोलंबिया, ये देखो ये ब्राजील है, ये अटलांटिक से सीमा तो बनाता है लेकिन दोस्तों यहां सीमा नहीं बनाता, क्या यहां सीमा नहीं बनाता, कौन, ब्राजील, वो देश कौन सा है, कोलंबिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों यहां पर, इसके बाद में एक झील है दोस्तों, उसका नाम है टिटिकाका झील, कौन सी, टिटिकाका, ये दोस्तों पेरू है, यहां बोलिविया है, इन दोनों की जो सीमा है यहां पर स्थित है टिटिकाका झील, कौन सी झील है, टिटिकाका झील। किस किस की सीमा पर है दोस्तों, पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है, और पेरू और इसके जस्ट नीचे कौन है, तो पेरू और दोस्तों देखिए अगर आपसे पूछे पेरू और दोस्तों मैं बना रहा हूं इसको ना, मैं दोबारा बना रहा हूं यहां पर इसको, एक बार देखना आप ना, अगर आपसे पूछे कि जो पेरू और दोस्तों नीचे है, यहां है पेरू, यहां है दोस्तों चिली, कौन है, चिली है, और यहां पर स्थित है बोलिविया, कौन है, बोलिविया। तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर तो कौन सा है, यहां तो दोस्तों टिटिकाका झील, कौन सी है, टिटिकाका झील। और अगर आपसे पूछे पेरू और चिली जो है दोस्तों इसकी यहां पर स्थित कौन सा है, यहां स्थित है आटाकामा मरुस्थल, कौन सा है, आटाकामा मरुस्थल। ये विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है, लिखना, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम दोस्तों क्या है, मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। और अगर आपसे पूछे पेरू और बोलिविया की सीमा पर टिटिकाका झील, सबसे ऊंची दोस्तों बोटिंग झील, क्या, सबसे ऊंची बोटिंग झील कौन सी है, तो सबसे ऊंची दोस्तों बोटिंग झील है और वो है आपके टिटिकाका झील। अगर आपसे पूछे लानोज घास के मैदान, तो देखिए दोस्तों यहां पर स्थित है वेनेजुला, कौन है, वेनेजुला। और वेनेजुला में दोस्तों जो घास के मैदान है इन्हें कहते हैं लानोज, क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं दोस्तों लानोज घास का मैदान। तो देख लीजिए सभी क्वेश्चन के आंसर आपके सामने है। पहला तो दोस्तों आटाकामा मरुस्थल कहां स्थित है, पेरू और चिली की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन टिटिकाका झील, ये पेरू और बोलिविया के बीच में स्थित है टिटिकाका झील। लानोज घास के मैदान, ये दोस्तों वेनेजुला कहां है, वेनेजुला में स्थित है। और कौन सा देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों से सीमा बनाता है, तो साउथ अमेरिका में दोस्तों कोलंबिया, कौन सा है, साउथ अमेरिका में कोलंबिया। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, कॉफी बंदरगाह किसे कहते हैं, पैटागोनिया मरुस्थल कहां स्थित है, गैलोपेगास द्वीप समूह कहां पर है, एंजल वाटरफॉल कहां स्थित है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कहां कहां स्थित है, ये आपके सामने मैप है, किसका, ये मैप है दोस्तों आपके सामने
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। किसका है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप सभी को पता है, याद करो, यहां पर तो दोस्तों पनामा शहर, कौन सा? पनामा। ये कौन सा शहर था? ये देश था कोलंबिया। कौन सा देश है? कोलंबिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे दोस्तों, इस कोलंबिया के इधर एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। कौन सा है? कोलंबिया के जस्ट पास में दोस्तों एक देश है जिसका नाम है वेनेजुएला। और वेनेजुएला की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कराकस। क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी है कराकस। और इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा लिखना बोलीवर। क्या है? बोलीवर दोस्तों इसकी मुद्रा है। और इसी वेनेजुएला के अंदर दोस्तों एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। कौन सा है? एंजिल वाटरफॉल, एंजिल जलप्रपात। ये विश्व का सबसे ऊंचा, क्या? विश्व का सबसे ऊंचा दोस्तों क्या है? वाटरफॉल है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वेनेजुएला, एंजिल वाटरफॉल। ध्यान रखना सबसे ऊंचा जलप्रपात। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि जो ये वेनेजुएला है, यहीं पर दोस्तों जो घास के मैदान है, पहले तो ध्यान रखना ये किस नदी के ऊपर है, नदी भी ध्यान रखना। नदी देखिए, नदी अमेजन की सहायक नदी है ओरिनाको नदी, और ओरिनाको की सहायक नदी है कैरो नदी। अब पेपर वाला बेटा कभी ओरिनाको लिखता है, कभी कैरो लिखता है, तुम दोनों लिख लेना, तुम दोनों लिख लेना। अगर आपसे पूछे कौन सी नदी है, ओरिनाको दोस्तों नदी है, या फिर आपसे कह देगा कैरो नदी है। कौन सी नदी है? कैरो नदी। दोनों ध्यान रखना, दोनों पर ही दोस्तों क्या है? एंजिल वाटरफॉल है, अमेजन की सहायक ओरिनाको, उसकी सहायक दोस्तों कैरो। तो ध्यान रखना आपके ओरिनाको या कैरो नदी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसी वेनेजुएला के अंदर दोस्तों ध्यान रखना, जो घास के मैदान है उन्हें कहते हैं लानोस घास के मैदान। क्या बोलते हैं? लानोस घास के मैदान। तो ये हो गया दोस्तों वेनेजुएला। इसके बाद देखिए, यहां पर एक देश है जिसका नाम है ब्राजील। क्या नाम है? ये देश ब्राजील है, और ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। क्या? ब्राजीलिया राजधानी है ब्राजील की। इसी ब्राजील में दोस्तों एक आपके कौन सा बंदरगाह है, इसी के अंदर है रियो डी जेनेरियो। कौन सा है? रियो डी जेनेरियो बंदरगाह। इस बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए दोस्तों ध्यान रखना, इसी के पास में स्थित है यहां पर साओ पोलो। कौन सा स्थान है? साओ पोलो। और साओ पोलो दोस्तों किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए। किसके लिए? कॉफी के लिए। इस साओ पोलो पर दबाव को कम करने के लिए एक बंदरगाह बनाया गया। इस बंदरगाह का नाम है सैंटोस बंदरगाह। क्या नाम है? सैंटोस बंदरगाह। और इसे ही कहते हैं कॉफी बंदरगाह। क्या बोलते हैं? कॉफी बंदरगाह। अगर आपसे पूछे कॉफी के लिए फेमस स्थान साओ पोलो, कौन है? साओ पोलो। और दोस्तों साओ पोलो पर दबाव को कम करने के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया? ये बनाया सैंटोस बंदरगाह। किसके ऊपर? सैंटोस। और सैंटोस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह दोस्तों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपसे पूछे दोस्तों, यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों यहां पर कौन सा पर्वत है, तो ये पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। और मैंने आपसे कहा था सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और यहीं पर दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांक गुआ। कौन सी है? माउंट एकांक गुआ। और दोस्तों इसके यहां पर स्थित है कौन सा मरुस्थल? तो ये मरुस्थल है पैटागोनिया मरुस्थल। कौन सा है? पैटागोनिया मरुस्थल है, जो अर्जेंटीना। कौन सा देश है? अर्जेंटीना। इसमें दोस्तों स्थित है ठंडा मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है पैटागोनिया मरुस्थल। तो आइए एक बार क्वेश्चन देखिएगा, कॉफी बंदरगाह दोस्तों किसे किसे कहते हैं? तो लिखना सैंटोस। किसे कहते हैं? सैंटोस को कहते हैं। कॉफी बंदरगाह कहां स्थित है? ब्राजील में स्थित है। पैटागोनिया
मरुस्थल, ये लिख लेना अर्जेंटीना में दोस्तों ठंडा मरुस्थल। अगला क्वेश्चन गैलोपेगास द्वीप समूह, ये बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। अगर आपसे पूछे गैलोपेगास द्वीप समूह तो देखिएगा, अगर आपसे पूछे ये सवाल गैलोपेगास द्वीप समूह तो देखिए यहां पर दोस्तों मैंने आपको बताया ये कोलंबिया हो गया, ये वेनेजुएला हो गया, ये ब्राजील हो गया, और देखो कोलंबिया के जस्ट पास में यहां स्थित है इक्वाडोर। क्या है? इक्वाडोर। इक्वाडोर में कौन सा दोस्तों, कौन सा ज्वालामुखी था? कोटोपैक्सी, याद करो। इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी? कोटोपैक्सी। और इसी इक्वाडोर के पास में यहां पर दोस्तों कौन सा द्वीप समूह है? गैलोपेगास द्वीप समूह। कौन सा है? गैलोपेगास द्वीप समूह। महासागर पूछे प्रशांत महासागर, कौन सा? प्रशांत महासागर। अगर आपसे पूछे दोस्तों देश कौन सा है? इक्वाडोर। कौन सा देश है? इक्वाडोर। और यहां पर किसने दोस्तों रिसर्च किया था? जो डार्विन है उसने यहीं पर रिसर्च किया था। तो अगर आपसे पूछे गैलोपेगास द्वीप समूह ये कहां स्थित है तो लिखना दोस्तों इक्वाडोर में है। कहां है? इक्वाडोर में। महासागर पूछेगा प्रशांत महासागर, और अगर और आपसे पूछे तो लिखना भूमध्य रेखा के पास। कहां है? भूमध्य रेखा के पास। और ध्यान रखना किसने यहां पर रिसर्च की है? डार्विन ने दोस्तों यहां पर रिसर्च की है। एंजल वाटरफॉल ये स्थित है वेनेजुएला। कहां है? वेनेजुएला के अंदर है एंजल वाटरफॉल। मैगलेन जलसंधि कहां स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। ब्राजील में कॉफी के बगान, बढ़िया क्वेश्चन है। सेलवॉस क्या है? दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश स्थल अवरुद्ध देश है? फटाफट कमेंट बॉक्स में पहले तुम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो, पहले 4 का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 4। दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश स्थल अवरुद्ध देश हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। ओए होए न झरना लग जाए, ओए होए होए न झरना लग जाए, बाके बिहारी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, हाँ अब देखो मैं आपको तजाकिस्तान, तेरे तो बाल पकड़ के जो घुमाऊं ना तेरे को मैं पूरा पाकिस्तान। देख इधर आओ दोस्तों, अगर आपसे पूछे पहला क्वेश्चन है कि ब्राजील में जो कॉफी के जो बागान है, क्या ये दोस्तों ब्राजील? कौन है? ये हो गया ब्राजील। यहां पर दोस्तों जो कॉफी के जो बागान है ना, इन्हें कहते हैं फेजेंडा। क्या बोलते हैं? फेजेंडा इन्हें कहा जाता है। और कॉफी के लिए दोस्तों जो बंदरगाह है, कौन है जो इसके लिए जो बंदरगाह है, इसे दोस्तों कहते हैं सेंटोस। क्या बोलते हैं? सेंटोस कहते हैं कॉफी के बंदरगाह के लिए। और ब्राजील दोस्तों कॉफी के उत्पादन में पूरे विश्व में क्या है? पहले स्थान पर है ब्राजील। इसकी राजधानी ब्राजीलिया। कौन सी? ब्राजीलिया। इसी ब्राजील के दोस्तों यहां पर मैंने आपको पढ़ाया था एंडीज पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? ये दोस्तों एंडीज पर्वतमाला है। और मैंने आपसे कहा था कि एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी दोस्तों पर्वत श्रृंखला है। और याद कीजिए इसी एंडीज से दोस्तों एक क्या निकलती है? एक नदी निकलती है। और इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है दोस्तों अमेजोन नदी। कौन सी नदी है? ये जो नदी है ना, ये दोस्तों ध्यान रखना, ये नदी है अमेजोन नदी। कौन सी नदी है? ये दोस्तों नदी है अमेजोन। और अगर आपसे पूछे अपवाह तंत्र के हिसाब से, क्या पूछे? अगर क्वेश्चन आपसे पूछे अपवाह तंत्र के हिसाब से, सबसे अपवाह तंत्र के हिसाब से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी है अमेजोन रिवर। कौन सी है? अमेजोन रिवर। सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो तो दोस्तों नील नदी है मिस्र के अंदर। कहां है? मिस्र के अंदर नील नदी। अपवाह तंत्र के हिसाब से सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है दोस्तों आपके अमेजोन नदी। कौन सी? अमेजोन। इसी अमेजोन नदी में दोस्तों जो घास के मैदान है यहां पर, क्या तो यहां पर दोस्तों घास के मैदान है, इन्हें कहते हैं सेलवॉस। क्या बोलते हैं? इन्हें कहा जाता है सेलवॉस।
सेल्वाज या फिर सेल्वोज, क्या सेल्वास या फिर सेल्वोज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया यहां पर कि कौन से दो देश स्थल अवरुद्ध हैं, दोस्तों साउथ अमेरिका के अंदर केवल दो देश हैं जो दोस्तों लैंड लॉक है। क्या लैंड लॉक का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर दोबारा बताऊंगा मैं आपको। लैंड लॉक का मतलब है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगे। क्या समुद्र से नहीं लगे। अब आप पूछोगे क्या सर झील से लग सकती है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल लग सकती है झील से, बस किससे नहीं लगनी चाहिए, समुद्र से नहीं लगनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों ध्यान रखना, यहां पर देखो ये बोलीविया है, कौन है ये दोस्तों, बोलीविया है, और यहां पर है पराग्वे, कौन है पराग्वे। ये दोनों की दोनों क्या है दोस्तों, ये दोनों की दोनों लैंड लॉक कंट्री है। क्या है, दोनों की दोनों लिखना लैंड लॉक कंट्री, स्थल अवरुद्ध देश। कौन सा स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री है। क्यों है, क्योंकि इन दोनों की सीमा दोस्तों किससे नहीं लग रही, ये समुद्र से इन दोनों की सीमा नहीं लग रही, लेकिन झील से तो लग रही है। ये देखो यहां पर झील स्थित है, टीटी काका झील, कौन सी झील है, टीटी काका झील, तो झील से लग सकती है लेकिन समुद्र से नहीं लगनी चाहिए। कैस्पियन सागर, कौन दोस्तों, कैस्पियन जो सागर है ये आपको पता है सबसे बड़ी झील, क्या सबसे बड़ी झील है दोस्तों कैस्पियन सागर, कौन सी है कैस्पियन सागर। ध्यान रखना सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, वो दोस्तों लिख लेना आप सभी, वो है आपके कजाकिस्तान। कौन है, कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री, कौन सा सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। बोलिविया और पराग्वे दोस्तों ये दोनों स्थल अवरुद्ध है, किसके अंदर, ये दोनों दोस्तों ध्यान रखना साउथ अमेरिका में दो देश हैं जो स्थल अवरुद्ध है। ब्राजील से सीमा नहीं लगाने वाले दो देश, ये दोस्तों ध्यान रखना, एक तो है इक्वाडोर, कौन है इक्वाडोर है, एक है चिली, ये ब्राजील से सीमा नहीं लगाते। और अगर आपसे पूछे दोस्तों बोलिविया और न्यूयॉर्क, बोलिविया और पराग्वे ये दोनों की दोनों लैंड लॉक कंट्री हैं। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, और वो है मैगलैन संधि। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं यार इसको, ये देखो ये दोस्तों ध्यान रखना मैगलैन संधि, सब गड़बड़ होएगा ये देखना। अगर आपसे पूछे मैगलैन संधि कहां स्थित है, तो दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर आपको एक संधि दिखाई देगी और ये संधि है मैगलैन संधि, कौन सी है मैगलैन संधि। ये मैगलैन कौन था, पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला दोस्तों पहला इंसान कौन था, पहला इंसान था मैगलैन, कौन मैगलैन, पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला इंसान दोस्तों मैगलैन था। इसी के सम्मान में इस संधि का नाम क्या रखा है दोस्तों, मैगलैन संधि रखा है। और इसी के पास में यहां पर दोस्तों एक आइलैंड स्थित है इसके जस्ट पास में, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों फोकलैंड। क्या नाम है, फोकलैंड, क्या नाम है दोस्तों फोकलैंड। अब देखिए सवाल को, मैगलैन जनसंधि दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि अर्जेंटीना और चिली, कहा अर्जेंटीना और चिली दोस्तों, और याद कीजिएगा मैगलैन कौन है, पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला पहला इंसान। ब्राजील में कॉफी के बगान, फेजेंडा, क्या फेजेंडा। सेल्वोस क्या है, अमेजोन दोस्तों, अमेजोन जो क्षेत्र है वहां पर सेल्वोस। दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश लैंड लॉक है, तो एक तो दोस्तों बोलिविया है और एक ध्यान रखना आपके पराग्वे, कौन है बोलिविया और पराग्वे, ये दोनों की दोनों दोस्तों लैंड लॉक कंट्री। गिब्सन और सिंपसन मरुस्थल कहां स्थित है, काल गुरली कुलगाड़ी, खतरनाक क्वेश्चन है, किसके लिए प्रसिद्ध है। टोरस जल संधि कहां स्थित है, डार्विन पर्थ सिडनी और कैनबरा कहां स्थित है। आइए मेरे साथ में दोस्तों, ये आपके सामने क्या है, ये है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया। अब सुनना मेरी बात को, ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया, इस ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों बीचों बीच से कौन सी रेखा निकलती है, मकर रेखा, कौन सी मकर रेखा निकलती है बीचों बीच से, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपसे पूछे सही है ना, हैशटैग कोई दिक्कत है क्या उसमें,
हाँ ओके आतोरा बिल्कुल ठीक। अब देखो ये दोस्तों आपकी बीचों बीच से निकली मकर रेखा 23.5 डिग्री दोस्तों साउथ, कौन सी 23.5 डिग्री साउथ, यहां पर स्थित है डाउन्स घास के मैदान। क्या डाउन्स घास के मैदान, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताया था तुम्हें यहां पर जलसंधि है बोस जलसंधि, कौन सी है बोस जलसंधि, यहां पर स्थित है तस्मानिया, कौन है तस्मानिया, ऊपर की साइड दोस्तों यह है पापुआ न्यूगिनी, कौन है पापुआ न्यूगिनी, और अगर आपसे पूछे ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यूगिनी के बीच में कौन सी जलसंधि है तो यह लिखना टोरस जलसंधि, कौन सी है टोरस जलसंधि है इनके बीच में। और यहां क्या है दोस्तों, यहां स्थित है आपके ग्रेट बैरियर रीफ, क्या है ग्रेट बैरियर रीफ, महान प्रवाल भित्ति। और मैंने आपसे कहा था अंदर की साइड क्या है, अंदर की साइड दोस्तों आपके ध्यान रखना ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, कौन सी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अंदर की साइड स्थित है, यह है दोस्तों कारपेंटिया की खाड़ी, कौन सी है कारपेंटिया की खाड़ी, इसके अंदर दोस्तों यहां पर स्थित है मरुस्थल, कौन है मरुस्थल, एक मरुस्थल है दोस्तों गिब्सन का मरुस्थल, एक मरुस्थल है आपके सिंपसन का मरुस्थल, और एक मरुस्थल दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो कितने कितने नाम लिखे, तो तीन नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक तो दोस्तों कौन सा है गिब्सन का मरुस्थल, कौन सा है गिब्सन, दूसरा है दोस्तों सिंपसन का मरुस्थल, और तीसरा मरुस्थल ध्यान रखिएगा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, कौन सा है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये तीनों की तीनों मरुस्थल कहां स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है, क्या ऑस्ट्रेलिया में स्थित है तीनों की तीनों मरुस्थल। अगर आपसे पूछे ये जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है यहां पर दो स्थान है, एक का नाम है काल गुरली, इसे नोट करना, एक का नाम है दोस्तों काल गुरली, क्या है एक तो स्थान है काल गुरली और एक स्थान है काल गुरडी, कौन सा दोस्तों काल गुरडी, ये दोनों की दोनों किसके लिए फेमस है, ये दोनों की दोनों दोस्तों लिख लेना सोना के लिए, किसके लिए जो गोल्ड है इस गोल्ड के लिए फेमस है ये दोनों स्थान। तो ये भी क्वेश्चन आपके बड़ा बढ़िया वाला क्वेश्चन है, क्या सोना गोल्ड के लिए फेमस है। अगर आपसे पूछे, अब देखो मैंने आपसे कुछ स्थान पूछे हैं कहां कहां पर स्थित है ये स्थान, ये तो हो गया ऑस्ट्रेलिया, एक बार देखना मेरे साथ में ये कौन सी जलसंधि है टोरस की जलसंधि, नीचे कौन सी है बोस की जलसंधि, कौन सी बोस, ये दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ, यहां पर क्या स्थित है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, कौन सी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये मैंने आपसे कहा दोस्तों कौन कौन से मरुस्थल हैं, गिब्सन का मरुस्थल, सिंपसन का मरुस्थल और दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। फिर मैंने आपसे कहा यहां कौन सी खाड़ी है कारपेंटिया की खाड़ी, इसके जस्ट पास में यहां स्थित है डार्विन, कौन है डार्विन स्थित है, और डार्विन को दोस्तों उत्तर से प्रवेश द्वार कहते हैं, क्या उत्तर का ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों नॉर्थ प्रवेश द्वार कौन सा है, नॉर्थ प्रवेश द्वार है डार्विन, उत्तर का प्रवेश द्वार है दोस्तों डार्विन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां स्थित है पर्थ, कौन सा है पर्थ, तुमने सुना होगा ना पर्थ के मैदान में दोस्तों, पर्थ देखना यहां स्थित है, इसकी साइड स्थित है पर्थ। एक दोस्तों मैंने पूछा आपसे सिडनी, सिडनी यहां पर है और सिडनी के नीचे दोस्तों कैनबरा, कौन है कैनबरा, और आपको पता है कैनबरा दोस्तों क्या है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, कहां है सिडनी के जस्ट नीचे स्थित है कैनबरा, और यहीं स्थित दोस्तों माउंट कोसियस्को, मतलब कि माउंट कोसियस्को सबसे ऊंची दोस्तों भूगोल का भोकाल में कुक जलसंधि, दक्षिणी आल्पस, वेलिंगटन और दोस्तों जिलेंडिया, चारों की चारों स्थान महत्वपूर्ण है, चारों की चारों न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है। पहली बात देखिएगा ये आपके सामने दोस्तों न्यूजीलैंड है, आप एक बार दिमाग में बैठाओ हम दोस्तों कल कहां पर थे, कल थे दोस्तों हम ऑस्ट्रेलिया, कहां थे ऑस्ट्रेलिया, और ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है, कौन ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसी ऑस्ट्रेलिया के पास में दोस्तों यहां पर एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड, क्या नाम है न्यूजीलैंड। अगर आपसे पूछे इस न्यूजीलैंड में दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो राजधानी है वेलिंगटन, कौन सी है वेलिंगटन दोस्तों इसकी राजधानी है, लेकिन सबसे बड़ा शहर कौन सा है ऑकलैंड, कौन सा है सबसे बड़ा शहर है दोस्तों ऑकलैंड।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसी न्यूजीलैंड में ये दोस्तों आइलैंड कौन सा है, इसे कहते हैं नॉर्थ आइलैंड। कौन सा है? नॉर्थ। और ये है दोस्तों साउथ। कौन सा है? साउथ है। और नॉर्थ और साउथ के बीच में, क्या इसके बीच में दोस्तों एक जलसंधि स्थित है, इसे कहते हैं कुक जलसंधि। क्या बोलते हैं? कुक जलसंधि इसे कहा जाता है। और दोस्तों कुक जो है यहां पर पर्वत भी है। क्या? अगर आपसे पूछे माउंट कुक दोस्तों, ये न्यूजीलैंड के अंदर पर्वत भी है। और इसी के साथ में दोस्तों एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे आल्पस कहां है, क्या अगर आपसे पूछे आल्प्स कहां पर है, तो ये तो दोस्तों यूरोप में स्थित है। कहां पर है? यूरोप में स्थित है, स्विट्जरलैंड के आसपास। लेकिन अगर पूछे आपसे दक्षिणी आल्प्स कहां पर है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है। ध्यान रखना आल्प्स यूरोप में, दक्षिणी आल्प्स दोस्तों ये स्थित है यहां पर। क्या? ये यहां पर स्थित है दक्षिणी आल्प्स। तो लिख लेना दक्षिणी आल्प्स दोस्तों, ये भी आपके अगर आपसे पूछ ले कहां स्थित है, न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है। और सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछे कि न्यूजीलैंड जो है ऐसा कहा गया है दोस्तों कि ये किस प्रायद किस दोस्तों महाद्वीप का भाग है, तो ये ध्यान रखना ऐसा कहा गया है, अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, अभी तक कहा गया दोस्तों कि जो न्यूजीलैंड है ये न्यूजीलैंड किस महाद्वीप का भाग है, तो ध्यान रखना ये जो न्यूजीलैंड दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूरा की पूरा न्यूजीलैंड जो है वो जिलेंडिया महाद्वीप, किसका, जो जिलेंडिया महाद्वीप है, इस जिलेंडिया महाद्वीप का पानी के ऊपर उठा हुआ भाग। क्या? जिलेंडिया महाद्वीप का पानी के ऊपर उठा हुआ भाग है जो आपके सामने है। देखो ये दोस्तों आपके सामने, ये यहां से यहां तक, क्या ये दोस्तों कौन सा है, ऐसा कहा गया है कि ये पूरा जो स्थान है वो दोस्तों जिलेंडिया महाद्वीप है। कौन है? जिलेंडिया महाद्वीप। और इसी का दोस्तों ध्यान रखना जो पानी से ऊपर उठा हुआ भाग है, तो ये वाला स्थान है। कौन सा? तो ये वाला स्थान है, ये कहलाता है न्यूजीलैंड। क्या? न्यूजीलैंड। तो देखो ये पूरा हिस्सा दोस्तों जिलेंडिया, इसका ये भाग जो है वो कहलाता है न्यूजीलैंड। ठीक है, आपसे पूछे पहला पॉइंट, अगर पूछे आपसे, देखिए पहला क्वेश्चन देखना, कुक जलसंधि किसके बीच स्थित है? नॉर्थ साउथ न्यूजीलैंड के बीच स्थित है कुक जलसंधि। दक्षिणी आल्पस ये दोस्तों न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है, दक्षिणी आल्पस। वेलिंगटन दोस्तों ये ध्यान रखना, ये न्यूजीलैंड की दोस्तों राजधानी क्या है, ये राजधानी है वेलिंगटन। और जिलेंडिया मैंने आपसे बात की दोस्तों, जो जिलेंडिया है मैंने बताया आपको कि जिलेंडिया का ही भाग दोस्तों कौन सा है, न्यूजीलैंड, इसी का पानी के ऊपर भाग है। आगे देखिएगा स्विट्जरलैंड कहां स्थित है, ये देखिए दोस्तों स्विट्जरलैंड, अगर पूछे इसकी राजधानी क्या है, तो आधे रसगुल्ले क्या करते हैं, इसकी राजधानी कर देते हैं क्या, जिनेवा। जिनेवा इसकी राजधानी नहीं है दोस्तों, इसकी राजधानी है बर्न। कौन सी है? बर्न इसकी राजधानी है। कौन सी? बर्न। अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछे स्विट्जरलैंड में कौन कौन सा हेड क्वार्टर है, कौन कौन सा मुख्यालय है, तो नोट करना दोस्तों जिनेवा के अंदर कौन कौन से मुख्यालय है, तो देखिएगा एक तो मुख्यालय है विश्व व्यापार संगठन, नोट करना विश्व व्यापार संगठन WTO, किसका है? WTO, इसका मुख्यालय। एक है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, किसका है? WHO, इसका मुख्यालय भी कहां है? जिनेवा में। अगर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, कौन है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसका मुख्यालय भी कहां है दोस्तों? इसका मुख्यालय भी जिनेवा के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कि ग्लैंड में किसका मुख्यालय है, तो ग्लैंड में नोट करना दोस्तों, एक तो मुख्यालय IUCN, किसका है? IUCN का मुख्यालय। और एक दोस्तों लिखना WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, क्या
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका मुख्यालय कहां स्थित है ये ध्यान रखना दोस्तों, ग्लैंड के अंदर स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन WTO, WHO, ILO, इनके मुख्यालय कहां स्थित है, इनके मुख्यालय दोस्तों जिनेवा के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछ ले कि ग्लैंड में किसका है, तो ग्लैंड में ध्यान रखना IUCN का है, ग्लैंड में दोस्तों ध्यान रखना आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस एशियाई देश ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया, तो वो देश है कजाकिस्तान। कौन सा है? कजाकिस्तान ने मौत की सजा को समाप्त कर दिया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम देश कौन सा है? एंडोरा। मैंने आज तक तुमको एंडोरा दिखाया नहीं, शायद नहीं दिखाया। आज मेरे पास शायद मैप है, ये देखो, ये दोस्तों मैप किसका है, ये मैप है आपकी यूरोप, यहां पर देखना ये स्पेन है। कौन है? स्पेन। ये है दोस्तों फ्रांस है, ये इंग्लिश चैनल है, ऊपर तो दोस्तों कौन है, अंग्रेज की औलाद है, इंग्लैंड वाले है ना, ये फ्रांस हो गया, ये स्पेन हो गया और ये पुर्तगाल है। स्पेन और फ्रांस की सीमा पर यहां पर दोस्तों एक देश स्थित है एंडोरा। कौन सा है? एंडोरा। और यही दोस्तों क्या है, यही ध्यान रखना IMF का कौन सा 190वां दोस्तों देश है, कौन? एंडोरा। तो अगर आपसे पूछ ले IMF का नवीनतम देश कौन सा है, एंडोरा है, 190 नंबर का देश है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को इलीगल घोषित कर दिया? चमगादड़, चीन ने। और किसने लीगल करेंसी घोषित किया बिटकॉइन को? तो लीगल करेंसी बिटकॉइन को घोषित किया है, नोट करना, ये किया दोस्तों आपके एल सल्वाडोर। किसने किया है? एल सल्वाडोर ने इसे दोस्तों लीगल करेंसी घोषित किया। तो आपसे पूछ ले इलीगल करेंसी ये दोस्तों चीन है, लीगल करेंसी ये ध्यान रखना दोस्तों बिटकॉइन है। सानिया मिर्जा और झांग सुवाई ने ऑस्ट्रोवा ओपन में महिला युगल का खिताब जीत लिया। अगला क्वेश्चन पूछे आपसे भूगोल भोकाल सीरीज 12। देखिए मेडागास्कर द्वीप समूह कहां स्थित है? अच्छा अफ्रीका स्टार्ट है ना, अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? कालाहारी मरुस्थल कहां पर है? वेल्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो आपके सामने ये है दोस्तों अफ्रीका। क्या ये आपके सामने अफ्रीका है? देखिए एक बार इसे देखिए दोस्तों, ये अफ्रीका आपके सामने है। अगर मैं आपसे पूछूं अफ्रीका से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, तो नोट करना, एक रेखा गुजरती है दोस्तों कौन सी, आपके भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा है एक, तो एक है दोस्तों कर्क रेखा। कौन सी है? एक हो गई कर्क रेखा, एक है दोस्तों ध्यान रखना भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा है। और एक लिखना दोस्तों मकर रेखा। कौन सी है? मकर रेखा। तो अगर आपसे पूछे एकमात्र महाद्वीप, सुनना मेरी बात, एकमात्र महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, नोट कर लेना, वो है दोस्तों अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। एकमात्र महाद्वीप जिससे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री दोस्तों और 23.5 डिग्री साउथ है। इक्वेटर, ट्रॉपिको ऑफ दोस्तों कैंसर, ट्रॉपिको ऑफ कैप्रिकॉन, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, एकमात्र महाद्वीप है वो है दोस्तों आपका अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि दोस्तों तीनों रेखाएं गुजरती है, ये जो मकर रेखा है, इस मकर रेखा को दोस्तों दो बार काटने वाली नदी क्या? अगर आपसे पूछे इसे दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपे नदी। कौन सी है? लिम्पोपे नदी। तो मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी, इसके जस्ट पास में एक द्वीप है दोस्तों, इसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर। और ये किस महासागर में स्थित है? तो ये ध्यान रखना हिंद महासागर का, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर में स्थित। कहां पर? हिंद महासागर में स्थित है मेडागास्कर द्वीप। अगर तुमसे पूछे दोस्तों ये कालाहारी मरुस्थल कहां पर है, देखिए ये आपका अफ्रीका
है क्या? ये तो आपका अफ्रीका हो गया दोस्तों, और इस अफ्रीका में देखना ये लाल सागर है। कौन सा है? ये हो गया दोस्तों लाल सागर। और आपसे पूछे ये कौन सा है, तो ये है दोस्तों भूमध्य सागर। कौन सा है? भूमध्य सागर। यहां स्थित है मेडागास्कर। कौन है? मेडागास्कर। और अगर आपसे पूछे कालाहारी मरुस्थल कहां स्थित है, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां स्थित है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा है? कालाहारी मरुस्थल। कौन सा देश है? बोस्वाना। कौन सा है? बोस्वाना देश है। और इस मरुस्थल में कौन सी जनजाति है? बुशमैन जनजाति। कौन सी है? बुशमैन जनजाति इसी मरुस्थल के अंदर स्थित है। तो देखिएगा यहां पर दोस्तों आपसे पूछे कि कालाहारी जो मरुस्थल है वो स्थित है मेरे दोस्तों, और कालाहारी जो मरुस्थल है वो मैंने आपको बता दिया बुशमैन जनजाति यहीं पर दोस्तों मिलती है। क्या? बुशमैन जनजाति मिलती है कालाहारी। और दोस्तों आपके देश कौन सा है? बोस्वाना देश है। ये सबसे नीचे जो देश स्थित है उस देश का नाम है दोस्तों साउथ अफ्रीका। क्यों है? जो सबसे नीचे है ना ये देश है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में जो घास के जो मैदान है उन्हें कहते हैं दोस्तों वेल्ड्स। क्या कहते हैं? वेल्ड्स घास के मैदान। कहां स्थित है? साउथ अफ्रीका में स्थित है। एक बार देखिएगा सवाल दोस्तों क्या क्या था। मेडागास्कर द्वीप समूह कहां स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कालाहारी मरुस्थल कहां स्थित है? बोस्वाना में स्थित है। वेल्ड्स घास के मैदान दोस्तों ये साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है। बाब उल मंदेब संधि कहां स्थित है? किम्बरली की खान। किम्बरली नहीं, किम्बरले की खान। पाम ऑयल देश किसे कहा जाता है? एटलस जो पर्वत है ये कहां स्थित है? देखिए ये दोस्तों अपना क्या है, उड़ता हुआ अफ्रीका। यहां पर देखना इस अफ्रीका में एक संधि मैंने आपको कल पढ़ाई थी दोस्तों, स्वेज नहर। कौन सी नहर पढ़ाई थी? स्वेज नहर। ये है भूमध्य सागर। कौन है? भूमध्य सागर। और ये दोस्तों कौन है? ये है लाल सागर। कौन है? लाल सागर। इन दोनों को जोड़ने वाली संधि कौन सी है? वो है दोस्तों स्वेज नहर। कौन सी है? स्वेज नहर। अब देखना ये लाल सागर और यहां पर दोस्तों कौन सी खाड़ी है? अदन की खाड़ी। किसकी है? अदन की खाड़ी। और अगर आपसे पूछे लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाली संधि कौन सी है, इसका नाम है बाब उल मंदेब संधि। कौन सी है? बाब उल मंदेब संधि। तो ध्यान रखना लाल सागर और अदन की खाड़ी इन दोनों को दोस्तों जोड़ने वाली जो संधि है इसका नाम है, लिखना, बाब उल मंदेब संधि। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है ये आपके अफ्रीका है दोस्तों। इस अफ्रीका में यहां पर स्थित है साउथ अफ्रीका। कौन है? साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के अंदर दोस्तों किम्बरले की खान है। किसकी है? किम्बरले की खान। और ये किम्बरले की खान किसके लिए फेमस है? हीरा या डायमंड। किसके लिए? हीरा या डायमंड के लिए फेमस है किम्बरले की खान। कहां है? साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पाम ऑयल कंट्री किसे कहते हैं? एक्चुअली में दोस्तों एक नदी है। क्या? एक नदी है। इस नदी का नाम है नाइजर नदी। कौन सी नदी है? नाइजर नदी। ये जो नाइजर नदी है इस नदी के किनारे दोस्तों किसके वृक्ष हैं? ये आपके ताड़ के वृक्ष हैं। किसके हैं? ताड़ के वृक्ष हैं इस नदी के किनारे, इसीलिए इस नदी को बोलते हैं पाम ऑयल रिवर। क्या बोलते हैं? पाम ऑयल रिवर। और ये दोस्तों जो देश है इस देश का नाम है नाइजीरिया। क्या नाम है? इस देश का नाम है नाइजीरिया। तो नोट करना, इसीलिए नाइजीरिया को बोलते हैं पाम ऑयल कंट्री। क्या बोलते हैं? पाम ऑयल कंट्री नाइजीरिया। पाम ऑयल रिवर ये दोस्तों ध्यान रखना नाइजर नदी। कौन सी है? नाइजर नदी। अगर आपसे पूछे दोस्तों अगला, अरे बाब, हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे नाइजर नदी और दोस्तों आपके ध्यान रखना नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, लास्ट क्वेश्चन जो है वो है एटलस पर्वत। इस सवाल को आराम से सुनना, क्या इस सवाल को ध्यान रखना, नाइजर नदी को क्या बोलते हैं? नाइजर नदी को दोस्तों बोलते हैं पाम ऑयल रिवर। और अगर आपसे पूछे नाइजीरिया को बोलते हैं पाम ऑयल कंट्री। अगला क्वेश्चन देखना, यहां पर ऊपर की साइड, क्या ऊपर की साइड दोस्तों एक पर्वत स्थित है और इसका नाम है एटलस। क्या नाम है?
एटलस पर्वत है। अगर आपसे पूछे एटलस पर्वत किस देश में है तो देखना दोस्तों यहां पर है मोरक्को, यह है दोस्तों आपके अल्जीरिया, कौन सा अल्जीरिया, और यह देश है ट्यूनीशिया। शुरुआत पहला क्वेश्चन दोस्तों, तो एटलस पर्वत तीन देश में, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, और ऊपर ये सागर है दोस्तों भूमध्य सागर। आगे देखिएगा, चारों क्वेश्चन आपके सामने है। बाब उल मंदेब संधि जो है ये ध्यान रखना दोस्तों, ये कहां स्थित है, तो ये लाल सागर को जोड़ती है किससे, अदन की खाड़ी से, किससे, अदन की खाड़ी से। किम्बरले की खान ये हीरे के लिए है, साउथ अफ्रीका के अंदर स्थित है। पाम ऑयल देश किसे कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों नाइजीरिया, किसे बोलते हैं नाइजीरिया। एटलस पर्वत कहां स्थित है, लिखना मोरक्को में स्थित है, इसके साथ में अल्जीरिया में स्थित है, और इसी के साथ में दोस्तों ट्यूनीशिया कहां पर है, ट्यूनीशिया में है। कुल मिलाकर अफ्रीका के अंदर स्थित है कौन सा पर्वत, एटलस पर्वत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्लू नील और व्हाइट नील नदी आपस में कहां मिलती है। क्या बात है राजूरी टीम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा राजूड़ी ने आज। ब्लू नील और व्हाइट नील नदी आपस में कहां मिलती है, माउंट किलिमंजारो कहां स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम मेंबर कौन सा है, दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है। भाई साहब तालियां बजाओ एक बार टीम के लिए, है ना। हाँ, रूस में लिखना दोस्तों, फीफा जो वर्ल्ड कप है ना वो रूस में हुआ था 2018 में, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, और जीता किसने था, इसे जीतने वाली टीम थी दोस्तों फ्रांस। तो ध्यान रखना फ्रांस में वर्ल्ड कप नहीं हुआ था, वर्ल्ड कप तो रूस में हुआ था, जीता किसने था, जीता फ्रांस ने। अब देखिए चारों दोस्तों क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। अगर आपसे पूछे कि ब्लू नील और व्हाइट नील जो है ये आपस में कहां टकराती है, क्या कहां आपस में मिलती है, तो देखिए पहली बात तो ये नदी निकलती कहां से, तो ये नदी निकलती है दोस्तों कहां से, इस झील से। इस झील का नाम क्या है, इस झील का नाम है दोस्तों विक्टोरिया झील। कौन सी झील है, विक्टोरिया। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि भूमध्य रेखा जो है वो किस झील के बीचों बीच से निकलती है, विक्टोरिया झील से, किससे, विक्टोरिया झील। सर मेरी गर्लफ्रेंड को जीआई टैग मिल गया, 10 वर्ष के लिए मिला है, कितने वर्ष के लिए मिला है, 10 वर्ष के लिए मिला है। 10 वर्ष बाद में अगर तूने सिलेक्शन नहीं लिया तो वो जीआई टैग जो है ना वो किसी और राज्य के नाम घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। अब नोट कर, इसी विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है दोस्तों व्हाइट नील। कौन सी नील है, व्हाइट नील। तो अगर आपसे पूछे व्हाइट नील निकल गई यहां से, उधर से आती है दोस्तों ब्लू नील। कौन सी आती है, उधर से भाई साहब आती है एकदम ब्लू नील। कौन सी, ब्लू नील। और ये जो व्हाइट और दोस्तों ब्लू नील है ये आपस में कहां मिलती है, ये आपस में मिलती है खारतूम। कहां मिलती है, खारतूम। और खारतूम किसकी राजधानी है, सूडान की राजधानी। किसकी है, सूडान की राजधानी। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे कि ब्लू नील और व्हाइट नील आपस में कहां मिलती है, खारतूम में मिलती है। इसके बाद में दोस्तों ये नदी क्या कहलाती है, इसके बाद में ये जो नदी है वो कहलाती है नील नदी। कौन सी नदी, नील नदी। तो अगर तुमसे पूछे व्हाइट नील, ध्यान रखना आपके विक्टोरिया झील। अगर आपसे पूछे ब्लू नील और व्हाइट नील आपस में कहां मिली, खारतूम के अंदर। और दोस्तों फिर ध्यान रखना ये नील नदी कहलाएगी, और नील नदी का वरदान किसे कहेंगे, ये कहेंगे दोस्तों इजिप्त, क्योंकि ये कौन सा देश है, ये देश है आपके मिस्र। कौन सा है, मिस्र। और मिस्र का दूसरा नाम है इजिप्त। क्या नाम है, इजिप्त। तो नील नदी का वरदान मिस्र या फिर इजिप्त है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा उसने, कि किलिमंजारो कहां स्थित है। ये विक्टोरिया झील के जस्ट नीचे दोस्तों कौन सा देश है, तंजानिया। कौन सा है, तंजानिया। और इसी तंजानिया में, क्या ये जो तंजानिया है दोस्तों, इसी तंजानिया में एक माउंट, एक पर्वत चोटी स्थित है, उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। कौन सी है, माउंट किलिमंजारो। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है दोस्तों माउंट किलिमंजारो। कहां स्थित है, तंजानिया में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, और वो जो क्वेश्चन है ना, देखिए एक तो माउंट किलिमंजारो, ब्लू नील, व्हाइट नील, संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम देश कौन सा है, ये खारतूम तो किसकी राजधानी है,
सुडान की, किसकी है? सुडान की, इसी खारतूम के नीचे। क्या? इसी खारतूम के नीचे। देखिएगा, ये तो आपके दोस्तों क्या हो गया, ये तो हो गया अफ्रीका। क्या हो गया? अफ्रीका हो गया। इस अफ्रीका में अगर आपसे पूछे, ये तो मैंने कहा आपसे कौन सी नदी हो गई, ये नदी हो गई दोस्तों आपके नील नदी। इस यहां से निकली विक्टोरिया झील से, इसी के पास में यहां पर कौन सा पर्वत हो गया, ये हो गया दोस्तों माउंट किलिमंजारो। ये खारतूम है यहां पर, ये सुडान की राजधानी है। इसी में से एक नया देश अलग होकर बना है जिसका नाम है दोस्तों साउथ सुडान। कौन सा है? साउथ सुडान। और इस साउथ सुडान को दोस्तों यूएनओ का 193 नवीनतम देश है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है जुबा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि साउथ अफ्रीका, ये हो गया साउथ अफ्रीका, ये हो गया नामीबिया। कौन सा? नामीबिया। यहां कौन सा देश है? नामीबिया। यहां कौन सा देश है? साउथ अफ्रीका। और इनके बीच में कौन सी नदी बहती है? ये दोस्तों नदी है ऑरेंज नदी। कौन सी है? ऑरेंज नदी। तो ध्यान रखिएगा, सभी सवाल अच्छे हैं दोस्तों, वर्ल्ड मैप के बड़े बढ़िया सवाल। क्या मतलब? वर्ल्ड मैप जिस दिन अच्छा खासा आएगा ना, उस दिन ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि भाई ऑरेंज नदी किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, साउथ सुडान की राजधानी क्या है? जुबा। क्या है? जुबा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा नंबर है? 193 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कि दोस्तों नील नदी और जो आपके ब्लू नील और व्हाइट नील नदी आपस में कहां मिलती है? खारतूम में। कहां मिलती है? खारतूम। और खारतूम किसकी राजधानी है? सुडान की। माउंट किलिमंजारो कहां स्थित है? तंजानिया। कहां है? तंजानिया। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का नवीनतम मेंबर कौन सा है? साउथ सुडान। कौन सा है? साउथ सुडान। कौन सा नंबर है? 193। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया के मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? ऑरेंज नदी। कौन सी नदी है? ऑरेंज नदी सीमा बनाती है इन दोनों के बीच में। स्कैंडिनेवियन पर्वत कहां स्थित है? अच्छा, यूरोप स्टार्ट हो गया। क्या? यूरोप। अभी यूरोप और दोस्तों जो आपके यूरोप और जो आपके एशिया है ना, इन्हें थोड़ा ढंग से कहना। स्कैंडिनेवियन पर्वत कहां स्थित है? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? और एंडोरा कहां स्थित है? आइए मेरे साथ में, मैं आपको घुमाने चलूं दोस्तों यूरोप। क्या ये आपके सामने मैप किसका है? यूरोप का मैप है। समझना मेरी बात को पहले। ये दोस्तों आइसलैंड, याद करो एक देश मैंने आपको पढ़ाया था ना, आइसलैंड। ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक। ये हुआ आइसलैंड। और ये दोस्तों कौन है? ये है नॉर्वे। कौन है? नॉर्वे। इस नॉर्वे के बगल में ये देश कौन सा है? स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन। तो ये नॉर्वे, ये स्वीडन, इनके बीच में दोस्तों यहां पर एक पर्वत श्रृंखला स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है स्कैंडिनेवियन पर्वत। क्या नाम है? स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन पर्वत जो है वो इसे कहा जाता है। इसीलिए इन दोस्तों देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहा जाता है। तो देखो, ये आइसलैंड थे, यहां से हमने एंट्री की। आप पानी में तैर के, क्या पानी में तैर के दोस्तों कहां पहुंच गए? पानी में तैर के नॉर्वे में पहुंच गए। नॉर्वे में पहुंचे, आपने नॉर्वे को देख लिया, ओस्लो वोस्लो आप घूम लिए नॉर्वे के अंदर। फिर दोस्तों इसके बाद में आप कहां देखे? आपको मिला बीच में पर्वत। क्या? बीच में पर्वत है। आपने कहा ई का चक्कर है साहब, तो ध्यान रखिएगा पर्वत है। थोड़ा इसका वो ब्राइटनेस कम कर दो ना टीम आके, ब्राइटनेस कम करो थोड़ी इसकी। ये दोस्तों पर्वत जो है इसका नाम है स्कैंडिनेवियन पर्वत। कौन सा पर्वत है? स्कैंडिनेवियन। अभी चला रहे, खुद देख लिया करो यार, ब्राइटनेस थोड़ी कम करो इसकी। हाँ, बस कोई ना, काला ठीक हूं मैं ना, बाद में गोरा कर देना अगर। अब दिख रहा है नहीं दिख रहा, कमेंट बॉक्स में बताओ एक बार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने देखो टीम को बुलाया अंदर से ना, थोड़ा काला दिख रहा हूँ, कोई बात नहीं है ना, आप कर लेना एडजस्ट। दिख रहा है अब आपको? कमेंट बॉक्स में बोलो एक बार दिख रहा हो तो, जल्दी 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 छापो। अरे दोबारा बना दूंगा यार, अपने घर की बात है ना, तुम अपने घर के तो, दोबारा बना दूंगा। ये लो, ये देखो, ये आपके यूरोप है। अब दिख रहा है आपको? अरे दिखा नहीं दिखा यूरोप आपको?
दिख गया वो तो देखो, ये तो है आइसलैंड, कौन सा देश है ये दोस्तों? आइसलैंड है। ये अटलांटिक है, कौन है ये? अगर आपसे पूछे ये अटलांटिक महासागर है, कौन सा है? अटलांटिक महासागर। अगर आपसे पूछे अगला पॉइंट दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये नॉर्वे है, कौन है? ये नॉर्वे है। और ये दोस्तों स्वीडन है, कौन है? स्वीडन है। इन दोनों देशों के यहां पर एक पर्वत स्थित है, इस पर्वत का नाम लिखना दोस्तों स्कैंडिनेवियन पर्वत। क्या नाम है? स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन दोस्तों ये पर्वत स्थित है यहां पर। अब एक्चुअली में क्या होगा, इस पर्वत दोस्तों इसीलिए जो इसके आसपास के देश हैं उन्हें कहते हैं स्कैंडिनेवियन पर्वत। क्या है? स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो नॉर्वे स्वीडन के बीच में स्थित है स्कैंडिनेवियन दोस्तों पर्वत। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये देखो, ये तो हुआ इंग्लैंड, कौन? यूनाइटेड किंगडम। इसके जस्ट नीचे दोस्तों यहां पर स्थित है फ्रांस, कौन है? ये स्थित है फ्रांस। ये है दोस्तों स्पेन, कौन है? स्पेन। और इनके बीच में दोस्तों एक पर्वत देश स्थित है, और इस देश का नाम नोट करना, ये देश है एंडोरा, कौन सा है? एंडोरा। तो अगर आपसे पूछे एंडोरा किसके बीच में है? फ्रांस और स्पेन के बीच में। क्यों मैंने लिखाया इसको? क्योंकि दोस्तों आईएमएफ का सबसे नवीनतम देश कौन सा है? सबसे नवीनतम देश है एंडोरा, कौन सा? एंडोरा। अब देखना, अब दोस्तों हम यहां पहुंच गए, हमने एंट्री मारी दोस्तों, ये है भूमध्य सागर, कौन सा है? भूमध्य सागर। इसमें एंट्री मारी, एंट्री पर दोस्तों एक जलसंधि हमें देखने को मिली, और वो जलसंधि कौन सी है? वो जलसंधि है दोस्तों जिब्राल्टर जलसंधि, कौन सी है? जिब्राल्टर जलसंधि। तो अगर आपसे पूछे भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है, क्या भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जलसंधि को कहते हैं। जैसे ही मैंने एंट्री की भूमध्य सागर में, मैं दोस्तों कूदता हुआ इस सागर को पार करके यहां पहुंच गया। यह है दोस्तों कौन सा देश? यह देश है इटली, कौन सा है? इटली। और इटली की दोस्तों राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है रोम, क्या है? रोम। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। तो चारों दोस्तों आपके सामने महत्वपूर्ण बातें हैं। अब मुझे गोरा कर दे टीम, स्कैंडिनेवियन पर्वत कहां स्थित है? यह दोस्तों नॉर्वे स्वीडन, कहां है? नॉर्वे स्वीडन में स्थित है स्कैंडिनेवियन पर्वत। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जलसंधि। किसे? जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे दोस्तों रोम स्थित है इटली में, कहां है? इटली में। एंडोरा कहां स्थित है? फ्रांस और स्पेन की सीमा पर एंडोरा जो देश है वो दोस्तों स्थित है। ये चारों क्वेश्चन आपके सामने है। अब झीलों का देश किसे कहा जाता है? पहला प्रश्न है डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है? एड्रियोटिक, एड्रोसिटिक नहीं दोस्तों, एड्रियोटिक सागर कहां स्थित है? डोवर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? पहले फोटो देखिए, ये दोस्तों आपके हो गया यूरोप, कौन सा है? ये आपके दोस्तों महाद्वीप है यूरोप। इस यूरोप महाद्वीप में याद करो मैंने तुम्हें दोस्तों घुमाया था। हाँ राजूड़ी थोड़ा काला कर दे मुझे ना, हाँ बस, अरे कलुआ मत कर, कलुआ कर दिया वे हमको तो इसने। देखो दोस्तों ये जो यूरोप है इसमें ये कौन है? ये तो हो गया आइसलैंड, कौन है? आइसलैंड। अगर आपसे पूछे इस आइसलैंड के बाद दोस्तों ये नॉर्वे था, कौन? नॉर्वे। ये था स्वीडन, कौन? स्वीडन। और नॉर्वे स्वीडन के बीच में दोस्तों स्कैंडिनेवियन पर्वत, कौन? स्कैंडिनेवियन पर्वत। इसके जस्ट पास में ये देखो बहुत सारी तुम्हें दोस्तों झील दिखाई देंगी, क्या झील? झील सी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? ये भाई साहब है फिनलैंड। इसका नाम क्या है? नोट करना, फिनलैंड। और अगर तुमसे पूछे झीलों का देश किसे कहते हैं? झीलों का देश कहते हैं दोस्तों
फिनलैंड को, किसको? फिनलैंड। अब इसके नीचे उतर के आओ, नीचे जैसे ही उतरोगे दोस्तों, बाल्टिक सागर पार करोगे, ये देखो तुम्हें एक प्रायद्वीप दिखेगा। क्या ये प्रायद्वीप है दोस्तों? जटलैंड प्रायद्वीप। कौन सा है? जटलैंड प्रायद्वीप। और इसी जटलैंड प्रायद्वीप पर कौन सा देश स्थित है? डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क देश इस जटलैंड प्रायद्वीप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां से आगे बढ़ूंगा मैं, यहां आएगा पुर्तगाल, ये स्पेन है, अंदर एंट्री किया मैंने भूमध्य सागर। कौन है? भूमध्य सागर। फिर आगे बढ़ा दोस्तों, ये देश है इटली। कौन सा है? ये जो देश है इसका नाम है इटली। कौन सा है? इटली। और इटली के जस्ट पास में दोस्तों एक सागर स्थित है, इसका नाम है एड्रियाटिक सागर। कौन सा है? एड्रियाटिक सागर। तो इटली के जस्ट पास में एड्रियाटिक सागर स्थित है। अगर आपसे पूछे पहला सवाल झीलों का देश कौन है, तो झीलों का देश है फिनलैंड। अरे यशस्वी लोगों, उदयपुर मत करके आना, कहीं तुम उदयपुर कर दो। अरे भाई साहब क्या तगड़ी मौज हो जाए, उदयपुर देश नहीं है, ध्यान रखना झीलों का देश फिनलैंड। डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर है? जटलैंड प्रायद्वीप। किस पर दोस्तों? जटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क। एड्रियाटिक सागर कहां स्थित है? यह दोस्तों इटली के पास में स्थित है एड्रियाटिक सागर। डोवर बैंक किससे संबंधित है? देखिए डोवर बैंक की दोस्तों अगर बात करूं मैं, यहां देखना, ये दोस्तों आपके अगर पूछे आपसे, ये तो हो गया इंग्लैंड। कौन है? यूनाइटेड किंगडम। नीचे है दोस्तों फ्रांस। कौन है? फ्रांस। इन दोनों के बीच में स्थित है इंग्लिश चैनल। कौन सा है? इंग्लिश चैनल। और इस इंग्लिश चैनल के अंदर ही दोस्तों कौन सी बैंक स्थित है? डोवर बैंक। कौन सी बैंक है? डोवर बैंक। तो अगर आपसे पूछे डोवर बैंक कहां स्थित है, तो नोट करना दोस्तों, इंग्लिश चैनल में स्थित है डोवर बैंक। और ये किसके लिए फेमस है? मछली उत्पादन के लिए फेमस है। साउथ बटन नेशनल पार्क दोस्तों कहां स्थित है? अंडमान निकोबार। कहां है? अंडमान निकोबार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी दोस्तों अंडमान निकोबार। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान, ये लिखना आप सभी, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश है। और दोस्तों नाम दफा के साथ में मोलिंग नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों असम के अंदर। कहां है? असम के अंदर है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी दोस्तों कहां है? असम के अंदर है। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, ये भी दोस्तों असम में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये भी दोस्तों असम में। तो ये सब की सब कहां पर है? असम के अंदर। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों बिहार में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये ध्यान रखिएगा गुजरात में। कहा? गुजरात में दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि बिहार में, काजीरंगा असम में, देहिंग पटकई असम में, नाम दफा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, महात्मा गांधी अंडमान निकोबार, साउथ बटन दोस्तों अंडमान निकोबार। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है हरियाणा के अंदर। कहां है? हरियाणा। पिनघाटी नेशनल पार्क, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। हैमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है दोस्तों लद्दाख में। नागर होल राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों की दोनों कहां है? कर्नाटक के अंदर। कहां है? कर्नाटक। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये दोस्तों स्थित है केरल में। कहां? केरल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों स्थित है मध्य प्रदेश। कहां? मध्य प्रदेश। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है दोस्तों मणिपुर में। कहां है? मणिपुर में। सिमली फाल राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है ओडिशा। कहां है? ओडिशा में। मुकुंद्रा हिल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों स्थित है राजस्थान में। केवला देवी कहां है? केवला देवी राजस्थान में ही स्थित है। और रणथंबोर भी दोस्तों राजस्थान में। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों नोट करना,
तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछे मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों तेलंगाना, कहाँ है? तेलंगाना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये नोट करना दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर। राजाजी नेशनल पार्क, तो ये ध्यान रखना दोस्तों ये भी उत्तराखंड के अंदर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों उत्तराखंड के अंदर। जल्दा परा राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है पश्चिम बंगाल, कहां है? पश्चिम बंगाल। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछे दोस्तों एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, तो एराविकुलम नोट कर लेना, ये केरल के अंदर है। कहां है? केरल के अंदर है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों आपके सामने भारत के नेशनल पार्क थे। फिर सुनना मेरी बात को, एक नंबर का क्वेश्चन है, गलत मत करना, चार तरीके से पूछे जा सकता है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, पहला प्रश्न, कोई करंट में चर्चा में, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न दोस्तों मैच द फॉलोइंग। चार राष्ट्रीय उद्यान देगा, चार आपके सामने राज्य देगा, कुल मिलाकर ऐसे प्रश्न वो पूछे जाएगा। तो एक बार अपना आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके जो चेहरा नजर आए वो दोस्तों फूल पत्ती वाला है ना, कोई और नहीं, कहीं सुबह सुबह है ना, चुपचाप आंखें बंद करो और सुनो मेरी बात को। एक्चुअली में दोस्तों राजस्थान के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है? केवला देव, रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स। गुजरात में दोस्तों ब्लैक बक और गिर राष्ट्रीय उद्यान। फिर दोस्तों उसके बाद में महाराष्ट्र है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। गोवा दोस्तों महावीर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद है कर्नाटक में दोस्तों ध्यान रखना बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेर घट्टा राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है केरल दोस्तों, एराविकुलम, साइलेंट और पेरियार नेशनल पार्क। फिर आता है तमिलनाडु में मुकुरती, मधुमलाई, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। फिर दोस्तों आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा है, तेलंगाना में दोस्तों मृगवाणी है, उड़ीसा में सिमलीपाल और भीतरकनिका है, और दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर जल्दापरा और सुंदरवन दोस्तों नेशनल पार्क है। मेघालय के अंदर दोस्तों आप ध्यान, जल्दापरा नेशनल पार्क जो है ना, अरे भाई साहब ये गड़बड़ घोटाला कर दिया क्या, जल्दापरा, बिल्कुल दोस्तों जल्दापरा नेशनल पार्क कहां स्थित है कमेंट बॉक्स में बताओ तो एक बार। जल्दापरा दोस्तों ये नेशनल पार्क कहां स्थित है कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ तो। पश्चिम बंगाल में ही है ना ये? हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया इसमें, ये पश्चिम बंगाल है या नहीं बताओ एक बार कमेंट बॉक्स। आंखें खोलो एक बार, है ना, आंखें खोलो, ठीक है, ये बताओ मुझे जल्दापरा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है या नहीं। एक बार आंखें खोल लो, ये बताओ जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल में है या नहीं। पश्चिम बंगाल ही है ना? हाँ हाँ, पश्चिम बंगाल है ना, बिल्कुल बिल्कुल, बस इतना ध्यान रखना है ना, ये मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों कोई और राज्य आ गया है ना, पश्चिम बंगाल। लिखना मेघालय में दोस्तों नॉर्करेक है, मेघालय का नाम नहीं आया यहाँ पर, नॉर्करेक जो है ये मेघालय के अंदर है। और अगर पूछे दोस्तों मर्लेन नेशनल पार्क कौन सा, कमेंट बॉक्स में बताओ तो मर्लेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, छाप दो कमेंट बॉक्स के अंदर। बेलग्रेड किसकी राजधानी है? अच्छा भाई साहब, दूसरा क्वेश्चन है बाल्टिक देश किसे कहा जाता है, कैटालोनिया किस देश में स्थित है, ये सवाल बढ़िया है दोस्तों, कैटालोनिया किस देश में स्थित है। चलिए मेरे साथ में आपको दिखाता हूं दोस्तों, अगर आपसे पूछे कैटालोनिया किस देश में स्थित है, आप देखिएगा मेरे साथ में, राजूड़ी मुझे कालिया बना दे, जल्दी से कालिया बना दे मुझे राजूड़ी। अगर आपसे पूछे कैटालोनिया किस देश में स्थित है, तो देखना दोस्तों जो कैटालोनिया है वो आपको यहां पर दिखेगा, ये देखिए, यहां देखिए, ये दोस्तों क्या था, ये तो इंग्लैंड था, ये आइसलैंड है, ये इंग्लैंड है, यहां दोस्तों क्या है, फ्रांस है, ये है स्पेन, कौन है ये दोस्तों, स्पेन है। और इसी स्पेन के अंदर ये वाला जो एरिया है दोस्तों इसे कहते हैं कैटालोनिया, क्या बोलते हैं इस एरिया को दोस्तों, कैटालोनिया कहा जाता है। और कैटालोनिया अलग से देश की मांग कर रहा है क्या, यही सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, लिखना कैटालोनिया दोस्तों अलग देश की मांग कर रहा है, ये किस देश में स्थित है, स्पेन के अंदर स्थित है
कैटालोनिया। कहाँ है? स्पेन, कैटालोनिया। नोट करना, अलग देश की मांग। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, और वो है बाल्टिक सागर। कौन है? बाल्टिक सागर। तो ये जो एरिया है ना, इसे कहते हैं दोस्तों बाल्टिक सागर। कौन सा है? बाल्टिक सागर है। इससे जितने भी देश सीमा बना रहे हैं, इन्हें कहते हैं दोस्तों बाल्टिक कंट्री। इसमें कौन कौन है? इसमें है एस्टोनिया। कौन है? एस्टोनिया। लातविया। कौन है? लातविया। और दोस्तों लिथुवानिया। कौन? लिथुवानिया। तो अगर आपसे पूछे बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, तो बाल्टिक देश हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुवानिया। सीमा किससे बनाते हैं? सीमा बनाते हैं दोस्तों ये बाल्टिक सागर। किससे? बाल्टिक सागर से। तो अगर आपसे पूछे बेलग्रेड किसकी राजधानी है? सर्बिया की राजधानी है। किसकी दोस्तों? सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। अगला क्वेश्चन है, बाल्टिक देश किसे कहा जाता है? एस्टोनिया को। एस्टोनिया दोस्तों आपके लातविया और लिथुवानिया। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, अरे गोरा कर दे राजूड़ी, इसमें तो बहुत ज्यादा कालिया दिख रहा हूं रे। अगर आपसे पूछे एस्टोनिया इसकी दोस्तों पहली प्रधानमंत्री कौन है महिला? काजा कलास। कौन है? काजा कलास। कैटालोनिया किस देश में स्थित है? ये दोस्तों स्थित है स्पेन। किसमें है? स्पेन में स्थित है। आर्मुज जल संधि कहां स्थित है? रब अल खाली मरुस्थल कहां स्थित है? मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां स्थित है? कैस्पियन सागर दोस्तों कहां स्थित है? सर लाइट नहीं आएगी तो आपकी क्लास कैसे लेंगे? अरे रूपा राम, लाइट कोनी जावे, ठीक है? लाइट कहीं नहीं जाएगी, तुमसे बचकर कहां जाएगी लाइट? और लाइट चली भी जाए ना तो स्टूडियो में आ जाना, यहां पर आराम से बैठ के क्लास लेना। अगर तूने कुछ भी इधर उधर किया, सीधा चप्पल तेरे मुंह पर पड़ जाएगी। तो क्लास यहां बैठ के आराम से लेना, ठीक है? लाइट चली जाए तो। हार्मुज जल संधि, आओ दोस्तों घुमाकर लाता हूं आपको एशिया। कहां घुमाता हूं? एशिया घुमाता हूं। ये फोटो तो आपको नहीं दिखेगा, पर ये वाला दोस्तों आपको फोटो जो है दिख जाएगा। अब इसे जूम कैसे करेंगे बबुआ? इसे जूम करेंगे दोस्तों ऐसे। अरे भाई साहब, हम भी सीख गए रे, नया पैनल है दोस्तों। हाँ अब आप समझ जाओ, नया नया पैनल हो तो क्या होगा। ये देखो दोस्तों, अगर आपसे पूछे पहला प्रश्न देखना, पहला प्रश्न है कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? ये दोस्तों कैस्पियन सागर है। क्या है ये आपके सामने लिखना, ये कौन सा सागर है? ये कैस्पियन सागर है। और यशस्वी लोगों, ये आपका एशिया है। कौन सा है? एशिया है। कहीं तुम्हें यही नहीं पता हो महाद्वीप कौन सा है ना? ये भाई साहब एशिया महाद्वीप है, ठीक है? इसमें दोस्तों ये जो है ये कैस्पियन सागर है। कौन सा? कैस्पियन सागर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि दोस्तों ये देश कौन सा है? ये देश है इराक। कौन सा है? इराक। और इराक के अंदर दोस्तों दो नदी है, इन नदी को कहते हैं दजला फरात नदी। कौन सी नदी है? दजला फरात। और नदी का दोस्तों एक सभ्यता है जिसका नाम है मेसोपोटामिया सभ्यता। कौन सी है? मेसोपोटामिया सभ्यता। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर आपसे पूछे हार्मुज जल संधि कहां है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों यहां पर स्थित है हार्मुज जल संधि। कौन सी है? हार्मुज। याद करो भाई साहब, यहां पर कौन सी थी? स्वेज नहर। कौन सी? स्वेज नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर, यहां पर कौन सी थी दोस्तों? लाल सागर और आपके अदन की खाड़ी। याद करो, ये थी बाब उल मंदेव संधि। कौन सी? बाब उल मंदेव। और यहां कौन सी है? हार्मुज। ये है दोस्तों क्या, इसे नोट करना, ये भाई साहब है आपका क्या, ये है फारस की खाड़ी। कौन सी है? फारस की खाड़ी। इसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं? इसे ही कहते हैं द गल्फ। क्या? द गल्फ भी इसे कहा जाता है। और यहां दोस्तों कौन सा है? ओमान सागर। इनके बीच में दोस्तों कौन सी संधि है? ये है आपके हार्मुज जल संधि। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, अगला क्वेश्चन कि यहां पर दोस्तों एक मरुस्थल स्थित है, इस मरुस्थल का नाम है रब अल खाली। कौन सा है? रब अल खाली। और ये देश कौन सा है? ये देश है सऊदी अरेबिया। कौन सा है? सऊदी अरेबिया। रब अल खाली मरुस्थल। पहला प्रश्न देखिएगा, अगर आपसे पूछे
ये फोटो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये बताओ पहले तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ, ये फोटो आपको दिखे या कोणी दिखे, जल्दी जल्दी छाप के बताओ कि ये फोटो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। 24 घंटे में 10 घंटे लाइट आई है सर, क्या करें? बता भाई क्या करें, तू बता क्या करें। कोई बात नहीं दोस्तों, जितनी आई है अभी तो आ रही है, सबसे बड़ी बात है ये, तुम्हारा मोबाइल चल रहा है ना, बस वही सबसे जरूरी है ना, दिख रहा है नहीं, नहीं दिख रहा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, अगर दिख रहा है तो मैं समझा दूंगा। अब बताओ दिख रहा है नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है मैं तुमको रे, तुम ऐसी गोलियां मार तो बैठे बैठे। देखो यहां पर देखो, ये दोस्तों कौन सा सागर है, ये आपके कैस्पियन सागर है। कौन सा? कैस्पियन सागर। ये सबसे बड़ी झील है विश्व की, क्या विश्व की सबसे बड़ी झील दोस्तों कैस्पियन सागर, ये यहां पर स्थित है ना, ये हो गया कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर स्थित है कौन सी, आपके हार्मुज जलसंधि। कौन सी है? हार्मुज जलसंधि। इधर की तरफ दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात है और इधर की तरफ है, इधर की तरफ ईरान है। ये दोस्तों फारस की क्या है? फारस की खाड़ी है। यहां हो गया स्वेज नहर, यहां हो गया दोस्तों बाब उल मंदेब की संधि। और अगला क्वेश्चन, यहां पर स्थित है रब अल खाली। कौन सा है? रब अल खाली। देखिए हार्मुज जल संधि कहां स्थित है, तो जो फारस की जो खाड़ी है, कौन सी है? फारस की खाड़ी है, यहां पर स्थित है हार्मुज जल संधि। अगर देश पूछेगा आपसे तो ईरान और दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, इनके बीच में स्थित है हार्मुज जल संधि। अगला क्वेश्चन, रब अल खाली मरुस्थल कहां स्थित है? सऊदी अरेबिया में स्थित है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दोस्तों दजला फरात नदी। कौन सी है? दजला, दजला फरात नदी है, ये दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता। कैस्पियन सागर दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है, एशिया के अंदर स्थित है, सबसे बड़ा दोस्तों सागर है। और ये भी ध्यान रखना, इसी सागर के दोस्तों किनारे पर स्थित है रामसर। कौन है? इसी सागर के किनारे पर कौन स्थित है? रामसर दोस्तों स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहां स्थित है? एंजल वाटरफॉल। कौन सा है? एंजल वाटरफॉल है, कहां स्थित दोस्तों? वेनेजुएला के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? पहली बात तो स्वेज नहर दोस्तों कहां पाई जाती है? ये मिलती है यहां पर, ऊपर की साइड है भूमध्य सागर, यहां पर स्थित है लाल सागर। कौन है? लाल सागर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को दोस्तों कौन सी नहर जोड़ती है, ये ध्यान रखिएगा, ये जोड़ती है स्वेज नहर। कौन सी है? स्वेज नहर। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो लिखना दोस्तों ये है माउंट विंसन मैसिफ। कौन सी है? माउंट विंसन मैसिफ जो है ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकार झील है, कहां स्थित है? साइबेरिया में दोस्तों स्थित है। और सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और जुड़ जाओ।